Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 6 of class 7 civics, and the chapter's name is Understanding Media. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button, there you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो जब भी हम मीडिया का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है न्यूज चैनल्स, रिपोर्टर्स, है ना। तो क्या मीडिया का मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल से रिलेटेड है या फिर जर्नलिस्ट से रिलेटेड है? नहीं, ऐसा नहीं है। मीडिया का जो मतलब है बहुत ही वाइड है। मीडिया के अंदर बहुत कुछ आता है और जिसमें से न्यूज चैनल्स जो है वो भी एक हिस्सा है मीडिया का। मीडिया का मतलब सिर्फ न्यूज चैनल्स नहीं है। तो इसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में जानेंगे कि आखिर मीडिया होता क्या है, मीडिया जो है वो किस तरीके से काम करता है और उसका हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को जो मीडिया है वो किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो आपने वर्ड मीडियम सुना होगा। मीडियम का मतलब क्या होता है? कोई जरिया, कोई माध्यम, है ना। तो मीडियम का ही प्लूरल फॉर्म है मीडिया, राइट। जैसे हम सिंगुलर प्लूरल वर्ड पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही मीडियम एक सिंगुलर वर्ड है जिसका प्लूरल फॉर्म है मीडिया, ठीक है। और मीडियम मतलब हमें पता है माध्यम होता है, तो मीडिया का मतलब भी क्या होगा? माध्यम। सो मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम एंड इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। तो मीडिया का मतलब क्या है? मीडिया मतलब वो अलग अलग तरीके, वो वेरियस वेज, वो अलग अलग तरीके के माध्यम जिनके सहायता से हम अपनी सोसाइटी में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, ठीक है। तो मीडिया क्या है? मीडिया है मीडियम वर्ड का प्लूरल फॉर्म, जिसका मतलब है कि जिन तरीकों से, जिन माध्यमों से हम अपनी बात एक दूसरे तक सोसाइटी में पहुंचाते हैं, दो ways through which we communicate in our society. So everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media. अब हमें मीडिया का मतलब पता चल गया, मतलब कि वो सभी तरीके जिससे हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को अपने messages पहुंचाते हैं, right? तो इसका मतलब हम जो अपने local fair में, कोई हमारे यहाँ पे मेला लगा है गांव में, तो वहां पे मतलब कोई fair में छोटे से छोटा जो दुकान है, छोटे से छोटी जो stall है, उससे लेकर हम जो अपने टीवीज पर चैनल्स देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, वो सभी जो है मीडिया के अंदर आते हैं, ठीक है। मीडिया के अंदर क्यों आते हैं? देखो, चैनल्स के थ्रू जो है क्या होता है, चैनल्स में जो भी बात बताई जा रही है वो हम तक पहुंचती है ना। चैनल्स जो भी बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो हम तक पहुंचती है, तो वो क्या हो गया? एक मीडिया हो गया, एक माध्यम हो गया जिसके थ्रू हमें, तो टीवी चैनल क्या हो गया? एक माध्यम हो गया, एक मीडियम हो गया जिसके थ्रू हमें जो लोगों ने वो टीवी में चीज चलाई है उनकी बात हमें, हम तक पहुंच रही है, ठीक है। इसी तरीके से स्टॉल भी क्या हो गया? अब स्टॉल में एक बंदे ने स्टॉल लगाया है तो उस पर वो कुछ बेचने के लिए लाया होगा, उसके पास कुछ बेचने के लिए होगा और आपको कुछ खरीदना है, तो स्टॉल भी एक माध्यम हो गया जिसके थ्रू आप कुछ खरीद रहे हो और सामने वाला जो है कुछ बेच रहा है, तो आप लोग कम्युनिकेट ही कर रहे हो। बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, everything ranging from a phone call to the evening news on TV can be called media. अब क्योंकि मीडिया का मतलब जो है सभी तरीके के means of communication, सभी तरीके के जरिए, सभी तरीके के माध्यम जिनके थ्रू हम एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब हर चीज, जैसा कि अभी बताया है कि एक स्टॉल से लेकर एक टीवी चैनल तक, इसका मतलब कि इसी तरीके से एक फोन कॉल से लेकर इवनिंग न्यूज ऑन टीवी, मतलब कि जैसे कि हम कॉल पे बात करते हैं तो उसके थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं? अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज चैनल्स पे भी क्या होता है कि टीवी में जो पर्सन है, जो न्यूज दे रहा है, वो देश दुनिया की खबरें हम तक पहुंचा रहा है। किसके माध्यम से? टीवी के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो हर चीज जिसके थ्रू एक पर्सन की बात दूसरे पर्सन तक पहुंच रही है वो क्या है? मीडियम, ठीक है। तो जैसा कि हमारा हमेशा दिमाग में आता है, मीडिया नाम सुनते ही हमारे दिमाग में न्यूज चैनल्स आते हैं, टीवी चैनल्स आते हैं, तो न्यूज चैनल्स जो है वो मीडिया का एक हिस्सा है, ठीक है। तो न्यूज चैनल्स, रिपोर्टर्स, दे आर अ पार्ट ऑफ मीडिया, ठीक है।
इसी तरीके से टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर्स, ये सभी जो हैं अलग अलग तरीके के मीडिया हैं। टीवी के थ्रू क्या होता है, देखो आप टीवी पे एड देखते हो, है ना, पेप्सी की, कोका कोला की, सोप्स की, मतलब अलग अलग तरीके की एड देखते हो। अब उन एड्स के थ्रू क्या हो रहा है, जिस पर्सन ने, जिस कंपनी ने वो एड चलाई है, उसके जो भी मैसेज है उसका, वो आपको टीवी के थ्रू आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे कोई पेप्सी की एड है, तो जो पेप्सी की कंपनी है वो क्या कह रही है, वो अपने मैसेज को कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदो, वो ऐसा है, पेप्सी को पियो, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, जो भी है मतलब कि, तो जो कंपनी है पेप्सी की, वो अपनी बात आप तक पहुंचा रही है टीवी के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ठीक है, इसी तरीके से रेडियो, आप रेडियो सुनते हो तो रेडियो के थ्रू भी सामने वाले की बात हम तक पहुंचती है। न्यूज़पेपर्स भी, ये सभी जो हैं ये अलग अलग तरीके के मीडिया हैं, अलग अलग तरीके के जरिए हैं जिससे हम तक बातें पहुंच रही हैं, जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वो मीडिया जिनसे एक साथ हम मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच सकते हैं, उनको हम कहते हैं मास मीडिया। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपने भाई से सामने सामने बैठ के बात कर रहे हो, तो आपका क्या है भाई, आप आपकी जो बात है वो सिर्फ आपके भाई तक ही पहुंच रही है। बट वही अगर आप क्या करो, आप जैसे कि YouTube चैनल है, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपने कोई बात जो है एक YouTube चैनल पर डाल दी, क्या कि आपका कोई मैसेज था कि जैसे कल आप बैठ के अपने भाई को समझा रहे थे कि भाई हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, हमें अपने देश को साफ रखना है, इसलिए जो भी कचरा है वो हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए। तो ये जो आपका मैसेज था वो सिर्फ और सिर्फ आपके भाई तक पहुंचा, ठीक है, तो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया। बट वही अगर आप एक काम करो कि आप YouTube पे वीडियो बनाओ और फिर वहां पे अपना मैसेज डालो कि हमें ऐसे करना चाहिए, हमें एनवायरमेंट को गंदा नहीं करना चाहिए, हमें ये स्टेप्स लेने चाहिए, तो जब आप YouTube पे वीडियो डालोगे तो हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आपकी वीडियो देख पाएंगे एक साथ। आपने तो सिर्फ एक ही वीडियो बनाई, आप बार बार हर एक इंसान के पास जाकर तो नहीं बता रहे, आपने सिर्फ एक बार वीडियो बनाई और एक बार से ही आप हजारों, लाखों लोगों तक पहुंच गए। तो जब हम किसी एक माध्यम से एक साथ बहुत ज्यादा जनता तक पहुंच पाते हैं, बहुत ज्यादा जनता को अपनी बात बता पाते हैं, तब हम उस मीडिया को क्या कहते हैं, मास मीडिया। ठीक है, मास मतलब क्या होता है, जनता होती है, तो मास मीडिया मतलब वो मीडिया, वो माध्यम जिनके जरिए से, जिनके मदद से हम एक साथ बहुत लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। जैसे कि टीवी चैनल्स पे एक एड चल जाती है, अब वो हर एक जो कंपनी है वो मेरे पास, अलग अलग बंदे के पास तो एड दिखाने नहीं आ रही कि देखो मेरी एड, देखो मेरी एड, ऐसा तो नहीं हो रहा। उन्होंने एक बार एड बना दी, टीवी चैनल पे डाल दी और एक साथ लाखों करोड़ों लोग वो एड देख रहे हैं, है ना। इसी तरीके से न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर पे एक बार न्यूज़पेपर पे बात छप गई, एक बार वो बात छप गई और वही सेम न्यूज़पेपर हजारों, लाखों, करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब एक बार के काम से ही, एक बार के प्रिंटिंग से ही बहुत सारे लोगों तक वो बात पहुंच गई। ठीक है, तो इन शॉर्ट वही है कि जब किसी भी माध्यम से, किसी भी मीन्स से ज्यादा जनता तक पहुंचा जा सकता है, उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, मास मीडिया। ठीक है, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ये यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं एक बार वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, मैं बार बार तो आपको वीडियो बना के नहीं दिखा रही, हर एक पर्सन तक पर्सनली अपनी वीडियो नहीं भेज रही, मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला है यूट्यूब, ये भी एक मीडिया का ही पार्ट है, ये जो यूट्यूब चैनल है दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मीडिया। ठीक है, क्योंकि इसके जरिए मैं आप तक बात पहुंचा रही हूँ, तो ये भी क्या है, एक मास मीडिया है। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार वीडियो बनाई और मेरी जो वीडियो है बहुत सारे लोग जो है वो आसानी से देख सकते हैं, मुझे हर पर्सन के लिए बार बार वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मास मीडिया। ठीक है, तो आई होप जब भी अब आप वर्ड मीडिया सुनो तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल्स ना आए, अब आपको क्लियर हो गया है कि भाई मीडिया का मतलब क्या है, ये सभी वो जरिए हैं, वो माध्यम हैं जिनके थ्रू हम सोसाइटी में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे तक अपनी बात, अपने मैसेजेस, अपने आइडियाज पहुंचाते हैं। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि मीडिया क्या होता है, और उसमें हमें पता चला कि मीडिया जो है वो मीडियम का प्लूरल वर्ड है, और ये वो सभी जरिए हैं, वो सभी माध्यम हैं जिनके थ्रू हम अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे तक अपने मैसेजेस पहुंचाते हैं। तो मीडिया क्या है, क्या ये सिर्फ न्यूज चैनल्स से रिलेट करता है? तो नहीं, न्यूज चैनल्स जो हैं, रिपोर्टर्स जो हैं, वो मीडिया का एक पार्ट है। तो मीडिया एक बहुत ही बड़ी टर्म है जिसमें न्यूज चैनल्स, टीवी चैनल्स, रेडियो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब और फोन, ये सभी जो है वो मीडिया का ही हिस्सा है। और आज हम अपनी लाइफ जो है इन सभी चीजों के बिना, मीडिया के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप बताइए, क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ में इंटरनेट ना हो? हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमें लगेगा कि हमारी जो लाइफ है वो एकदम अधूरी रहेगी।
हम बहुत सारे काम के लिए इंटरनेट पे डिपेंड करते हैं, और अगर इंटरनेट नहीं हुआ तो हम बहुत सारे काम जो है नहीं कर पाएंगे। और बहुत लोग को तो आजकल फोन की आदत हो गई है, हैबिट हो गई है, और अगर उनके पास फोन नहीं रहता है तो उन्हें बेचैनी सी होने लगती है। तो इस तरीके से भी हमें कुछ लोग अब देखने मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम मीडिया के बिना अपनी लाइफ बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते। और अभी रिसेंट टाइम में केबल टेलीविजन एंड सबसे ज्यादा जो है इंटरनेट, ये जो दो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा लोगों के बीच में फेमस हुई हैं। लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरनेट को इस्तेमाल किया है, और लगभग पिछले 20 ईयर्स से ये एक बहुत ही तेजी से लोगों के बीच में बढ़ा है। इंटरनेट का जो यूज है वो लास्ट 20 ईयर्स में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि लगभग 20 ईयर्स पहले ही जो इंटरनेट वगैरह है ये हमारे सामने आया था। और आजकल तो ये एक हर एक पर्सन के लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। अब अगर हम कोई भी मीडिया देख लें, हम फोन देख लें, हम टीवी देख लें, रेडियो देख लें, या फिर ये इंटरनेट देख लें, इनसे हमें पता चलेगा कि इनमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जा रही है, राइट? और ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमेशा चेंज होती रहती है। टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप चेंजिंग, की मास मीडिया जो टेक्नोलॉजी यूज करता है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है? जैसे कि सबसे पहले वो लैंडलाइन वगैरह वाले फोन थे, है ना, और फिर धीरे धीरे करके फिर वो सेलफोन्स आए, वो कीपैड वाले फोन्स आए, फिर स्मार्टफोन्स आए, अब उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से हर चीज की टेक्नोलॉजी चेंज होती है। पहले जो टीवी थे वो किस तरीके थे, वो एंटीना वाले टीवीज होते थे, फिर धीरे धीरे करके केबल टेलीविजन वगैरह आए। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती रहती है। अब जिस टेक्नोलॉजी को कोई भी मास मीडिया यूज कर रहा है उसके बेसिस पर हम कुछ कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गए। अब न्यूज़पेपर को, मैगजीन्स को, इनको हम क्या कहते हैं, प्रिंट मीडिया कहते हैं, राइट? प्रिंट मीडिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें प्रिंटिंग होती है, इनमें कुछ ना कुछ प्रिंट करके लिखा जाता है और लोगों के बीच में पहुंचाया जाता है ना। न्यूज़पेपर में क्या होता है, प्रिंट तो होता है, राइट? तो जो भी मीडिया है उनको हम उनके टेक्नोलॉजी के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें, न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गया, बुक्स वगैरह हो गई, तो ये किसके अंदर आएंगी, प्रिंट मीडिया के अंदर आएंगी। क्यों? क्योंकि इनमें प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया गया है। वहीं अगर हम टेलीविजन, रेडियो, इन सब की बात करें तो इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। ये इलेक्ट्रॉनिकली चलने वाली मीडिया है ना, बिना बिजली के हम टीवी थोड़ी चला सकते हैं। तो एक प्रिंट मीडिया होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, और इनके जो नाम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये इनके टेक्नोलॉजी के बेसिस पर रखे गए हैं कि इन मीडियाज में क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, राइट? अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी यूज होती है, एडवांस होते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं, उसके मदद से मीडिया जो है वो और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, राइट? तो चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जो मीडिया है वो और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। पहले मान लो मीडिया जो है एक शहर के लोगों तक पहुंच पाता था, पहले जो है सिर्फ एक शहर के लोगों तक कोई बात पहुंचाई जा सकती थी। अब चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ अब वो पूरे स्टेट के लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, फिर पूरे देश के लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, राइट? तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंजेस हो रही है, मशीन जैसे जैसे न्यू मशीन आ रही है और एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है, तो इसकी मदद से क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मीडिया के मदद से पहुंचा जा सकता है। अब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो उसके साथ साथ साउंड की जो क्वालिटी है, इमेजेस की, पिक्चर की जो क्वालिटी है, ये सब भी चेंज होती है और बेटर होती है। बट ऐसा नहीं है कि चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ हमें सिर्फ यही फायदा हो रहा है कि इसके साथ ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है या क्वालिटी अच्छी आ रही है साउंड एंड इमेजेस की। इसके अलावा चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ हमारा जो नजरिया है अपनी जिंदगी को लेकर, हमारी लाइफ को लेकर, वो भी चेंज हो रहा है। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, कि इन सभी चीजों से ज्यादा टेक्नोलॉजी करता है, वो हमारे लाइफ को और ज्यादा अफेक्ट करता है। कैसे? इट ऑल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आर लाइफ। ये हमारे अपनी जिंदगी को देखने के नजरिए को अफेक्ट कर रहा है कि हम अपनी लाइफ किस तरीके से देखते हैं। जैसे कि आज हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ये सोचना कि भाई अगर टेलीविजन यहाँ नहीं हुए, अगर हमारी लाइफ कैसी होती अगर टेलीविजन नहीं होते। हमें लगता कि भाई हमारी लाइफ तो मीनिंगलेस होती, हम क्या करते, अभी तो कुछ भी नहीं होता तो हम मूवी खोल के बैठ जाते, हम टीवी देख लेते, हम फोन यूज करने लगते। तो हमारे लिए टेलीविजन, फोन, इंटरनेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, और हम अपनी लाइफ को इन सब चीजों के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। तो देखा किस तरीके से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई वैसे वैसे
हमारा हमारी लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो गया। अब हम अपनी लाइफ को बिना इन चीजों के नहीं इमेजिन कर सकते और बहुत ही खाली महसूस करेंगे अगर ये सभी चीजें हमारी लाइफ से चली गई। इसके साथ साथ टेलीविजन की वजह से हम अपने आप को एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा मान पा रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन की वजह से क्या होता है, टीवी से हम दुनिया के किसी भी कोने की बात हम तक पहुंच सकती है, राइट? कि न्यूज चैनल्स में, जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो वो तो रशिया एंड यूक्रेन में हो रहा है ना, तो उसकी न्यूज हमसे कितने किलोमीटर दूर है, वो हजारों किलोमीटर दूर है, बट फिर भी उसकी न्यूज हम अपने घर में बैठ के देख पा रहे हैं, राइट? तो हम अपने आप को एक वर्ल्ड से जोड़ पाते हैं और ये महसूस कर पाते हैं कि हम एक पूरे दुनिया का एक हिस्सा है। अपने आप को हम ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाते हैं, एक मेंबर की तरह देख पाते हैं। तो जो टेलीविजन इमेजेस हैं वो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस को ट्रेवल करती हैं थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। तो टेलीविजन कैसे चलते हैं, सैटेलाइट्स की मदद से चलते हैं, कि इनमें क्या होता है, जो सिग्नल्स वगैरह हैं वो सैटेलाइट्स तक जाते हैं, फिर वो सिग्नल्स जो हैं वो हमारे जो डिशेस आप देखोगे, केबल्स होती, वो सिग्नल्स कैच करती हैं, राइट? तो उसकी मदद से हमें फिर चैनल्स दिखते हैं। तो जो इमेजेस हैं, जो भी पिक्चर्स वगैरह हैं, वो सैटेलाइट्स एंड केबल्स के थ्रू बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस जो हैं वो ट्रेवल करती हैं, कि इन्हीं की मदद से तो आज हम दुनिया के किसी भी कोने की जो न्यूज है, किसी भी कोने में कुछ भी घट रहा है, वो टीवी में देख पाते हैं। कैसे? सैटेलाइट्स एंड केबल्स की मदद से। और ऐसा भी है कि जैसे बहुत सारी मूवीज वगैरह हैं जो कि हॉलीवुड में बनी है, बहुत सारे कार्टून हैं जो कि दूसरे देश में बने हैं और आज हम उसे अपने देश में बैठ के देख पा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द कार्टून दैट यू सी ऑन टेलीविजन आर मोस्टली फ्रॉम जापान और द यूनाइटेड स्टेट। तो ज्यादातर जो कार्टून वगैरह हम देखते हैं वो कहाँ पे बने होते हैं, या तो जापान में या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में, इन सब में बने होते हैं। बट क्या है, हम आसानी से बैठ के अपने देश में इंडिया में बैठ के देख पा रहे हैं, राइट? और इसी तरीके से हम चेन्नई में बैठ के कोई भी, अगर कोई स्टॉर्म आ रहा है, कोई फ्लड आ रहा है फ्लोरिडा में, तो वो हम आसानी से देख सकते हैं, राइट? क्योंकि वही कि दूसरे कोने में क्या हो रहा है वर्ल्ड के, वो हम अपने घर में बैठे बैठे आराम से जान पाते हैं। क्यों? टेक्नोलॉजी की वजह से। और टेलीविजन की वजह से हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो हमारे और ज्यादा पास आ गया है, और ज्यादा नजदीक आ गया है, राइट? कि पहले हमें हमारे शहर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उससे बाहर की बातें नहीं पता चलती थी, राइट? कि जब तक ये टीवी वगैरह कुछ भी नहीं थे, तब तो लोगों को सिर्फ अपने गाँव की बात पता चलती थी, कि अच्छा चलो भाई चार लोगों से सुन लिया, गाँव में क्या चल रहा है। फिर धीरे धीरे थोड़ी बहुत और टेक्नोलॉजी बढ़ी और नए नए मीडियाज आए, तो उसकी वजह से पता चलने लगा भाई शहर में क्या हो रहा है। फिर और टेक्नोलॉजी बढ़ी, उससे पता चला भाई देश में क्या हो रहा है। और टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उससे क्या पता चला कि भाई वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो हमारा जो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया जो है वो बहुत ही छोटी बन गई है ना। आज मैं कोई भी मैसेज डाल रही हूँ तो जैसे कहीं पे मान लो मैं ट्विटर पे कोई ट्वीट करती हूँ, तो वो वर्ल्ड के हर हिस्से में जहाँ पे लोग ट्विटर यूज करते हैं वहां तक वो पहुंच जाएगा। तो मैंने तो सिर्फ अपने यहाँ पे घर पे बैठे बैठे कोई भी चीज देखी, बट वो पता नहीं दुनिया के किस कोने में लोग उसे देख रहे हैं। जैसे कि अभी मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ, तो इसे वर्ल्ड में कहीं पे भी जब कोई इंटरनेट यूज कर रहा है, यूट्यूब यूज कर रहा है, तो वो इस वीडियो को कहीं पे भी देख सकता है। तो दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज एंड वी हैव कम क्लोजर टू ईच अदर, राइट? तो बेसिकली इस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मीडिया की जो पावर है वो भी चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी के साथ क्या हो रहा है कि मीडिया जो है ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा है, राइट? और टेक्नोलॉजी के वजह से क्या हो रहा है कि हम अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से देख पा रहे हैं, राइट? कि टेक्नोलॉजी ने सिर्फ ऐसा नहीं किया कि हमें अलग अलग मीडियाज दिए हैं, अच्छी साउंड, अच्छी पिक्चर, न्यूज चैनल्स और ये सब दिए हैं, इसके साथ साथ ये हमारे नजरिए को भी अफेक्ट करता है कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से देखते हैं। और पूरा वर्ल्ड जो है वो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की वजह से एक पास आ गया है, हम एक दूसरे से बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। मीडिया एंड मनी। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि मीडिया जो है वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज करता है अपनी बातें पहुंचाने के लिए, राइट? जैसे कि प्रिंट मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं अलग अलग मीडिया में। और ये भी जाना था कि टाइम टू टाइम ये जो टेक्नोलॉजीज हैं वो चेंज होती रहती हैं, राइट? तो ये जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं जो कि मास मीडिया में यूज होती हैं, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही महंगी होती हैं, इनमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है इन चीजों को चलाने के लिए। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज रीडर सिट्स। इट हैज लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर्स, ट्रांसमिशन सेटेलाइट एक्सेट्रा, ऑल ऑफ विच कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। अब अगर हम एक न्यूज रूम की बात करें, कि जैसे हमारे टीवी पे कोई न्यूज चैनल चल रहा है, तो
हमें उसमें रिपोर्टर दिखता है, वो न्यूज रीडर दिखता है, राइट, जो कि हमें न्यूज पढ़कर सुना रहा होता है। बट क्या सिर्फ और सिर्फ वही एक बंदा है जो सभी काम कर रहा है? ऐसा नहीं है। जो वो न्यूज पढ़ रहा है उसको हम तक पहुंचाने के लिए सिर्फ वो न्यूज रीडर ही काम नहीं कर रहा, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हैं वो काम कर रही हैं जिनकी मदद से वो न्यूज रीडर जो है वो न्यूज को पढ़ पा रहा है और वो हम तक पहुंच पा रही है, उसे हम टीवी में देख पा रहे हैं, राइट। तो एक टीवी स्टूडियो में लाइट्स वगैरह होती हैं, लाइट्स होते हैं, कैमराज होते हैं, साउंड रिकॉर्डर होता है, ट्रांसमिशन सेटेलाइट होती है जिसके थ्रू जो है हम टीवी पे उस चैनल को देख पाते हैं। तो इन सभी चीजों में, इन सभी टेक्नोलॉजीज में पैसा लगता है, मनी लगता है। अब टेक्नोलॉजीज में तो पैसा लगता ही लगता है, इसके साथ साथ इन टेक्नोलॉजीज को जो चला रहा है ना, उसको भी पैसा देना पड़ता है, उसको भी सैलरी देनी पड़ती है। कि मान लो लाइट जो है, अब टीवी स्टूडियो में लाइट चाहिए तो पहली बात तो लाइट को खरीदने के लिए पैसा लगेगा, ठीक है। कैमरास चाहिए, कैमरे को खरीदने के लिए पैसा लगेगा। इसके साथ साथ कैमरे को जो चलाएगा, जो फोटोग्राफर होगा, जो वीडियोग्राफर होगा, उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा, राइट। और जो लाइट्स वगैरह चला रहा है, कौन सी लाइट किधर लगनी है, क्या होना है, मतलब इन सभी चीजों को जो संभाल रहे हैं, जो लोग हैं, उन्हें भी तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें मिलकर जो है पूरे मास मीडिया को एक बहुत ही एक्सपेंसिव चीज जो है बना देते हैं। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो टेक्नोलॉजीज है वो चेंज भी होती रहती हैं टाइम टू टाइम। चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहने के लिए भी लोगों को बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, राइट। क्योंकि मान लो एक टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी जो है वो चल रही है, कुछ टाइम बाद उसमें कोई अपडेशन आ गई, कोई चेंजेस आ गए, तो क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आप पुराने टेक्नोलॉजी के साथ जो है नहीं चल सकते। अगर आपका कॉम्पिटिटर जो है वो नई टेक्नोलॉजी यूज करके आपसे आगे बढ़ रहा है, तो आपके लिए भी जरूरी हो जाता है कि आप भी नई टेक्नोलॉजी लो और फिर अपना जो काम है वो आगे बढ़ाओ और कॉम्पिटिटर के साथ बने रहो, उसके साथ कॉम्पीट कर पाओ। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाना पड़ता है, उन टेक्नोलॉजीज को जो यूज कर रहा है, उन टेक्नोलॉजीज को जो लोग चला रहे हैं उन्हें पैसा देना पड़ता है, उन्हें सैलरीज देनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाने के लिए भी बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च करना पड़ता है। ड्यू टू दीज कॉस्ट द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू दिस वर्क। अब इन सभी चीजों की वजह से जो मास मीडिया है उसे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है ताकि वो अपना काम कर सके। काम क्या है कि वो अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो बातें हैं, वो हम तक पहुंचा सके, वो कम्युनिकेट कर सके। और इसीलिए ज्यादातर हम देखेंगे कि जो जो टीवी चैनल्स हैं, जो टेलीविजन चैनल्स हैं या फिर न्यूज़पेपर्स हैं, वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, है ना। जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, जो स्टैब्लिश्ड बिजनेस हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके द्वारा ही ज्यादातर टीवी चैनल जो हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो चलाई जा रही हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई मास मीडिया में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बट अब ये पैसा आएगा कहाँ से, ये पैसा लाएगा कौन, राइट। सो मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। मास मीडिया जो है वो हमेशा ये कोशिश करता रहता है, नए तरीके ढूंढता रहता है कि किस तरीके से ज्यादा पैसा कमा पाए। ठीक है, कुछ टेलीविजन चैनल्स जो हैं वो तो भाई बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हें नॉर्मल टाइम टू टाइम पैसा जो है वो मिलता रहे। बट उन चैनल्स का क्या, उन मास मीडियाज का क्या जो कि किसी बिजनेस द्वारा नहीं चलाए जा रहे, जो कि कोई बड़े बिजनेस के द्वारा बैक नहीं किए जा रहे, तो उन्हें तो मतलब टाइम टू टाइम ये देखना पड़ेगा ना कि पैसा कैसा कमाया जाए। और जो बिजनेस हाउसेस भी अगर किसी टेलीविजन चैनल को चला रहे हैं तो वो भी ये उम्मीद करेंगे ना कि इससे हमें कोई इनकम आए, ठीक है। तो ये इनकम आती कैसे है, जो मास मीडिया है वो पैसा कमाता कैसे है? तो उसका एक तरीका है एडवर्टाइजिंग, राइट। तो अलग अलग चीजों की एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने सामान को एडवर्टाइज करती हैं, जैसे कि कार्स हो गई, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, मोबाइल फोन, तो इन सभी चीजों की एडवर्टाइजमेंट जो है हम टीवी चैनल्स पर देखते हैं, राइट। कि हम क्या करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम अपना फेवरेट टीवी चैनल जो है, अपना फेवरेट शो जो है वो देख रहे होते हैं, हर 5 मिनट में जो है वो लोग एडवर्टीजमेंट दे देते हैं, हमें बड़ा गुस्सा आता है। बट ये जो एडवर्टीजमेंट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन एडवर्टीजमेंट के ही कारण जो मीडिया है, जो चैनल है, वो पैसा कमा पा रहा है और आपको वो चीज दिखा पा रहा है जो आप देखना चाहते हैं। वाइल वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी द सेम एडवर्टीजमेंट आर शोन रिपीटेडली बिटवीन ईच ओवर एंड सो यू आर ऑफन वॉचिंग द सेम इमेज ओवर एंड ओवर अगेन।
तो जब कभी हम क्रिकेट मैच देखने भी बैठते हैं तो क्या होता है, हर एक ओवर के बाद लगातार सेम एड को दिखाया जाता है ना, और हम भी मतलब परेशान हो जाते हैं क्यों ये सेम चीज दिखा रहे हैं। तो वो सेम चीज इसीलिए दिखाई जाती है, ये एडवर्टीजमेंट इसीलिए दिखाई जाती है ताकि वो लोग क्या सोचते हैं जो एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं, मान लो कोई चॉकलेट की एडवर्टीजमेंट है, तो जो कंपनी है उस चॉकलेट की, वो किस लिए आपको एडवर्टीजमेंट दिखा रही है, ताकि उसका ब्रांड, उसका जो नाम है, वो आपके दिमाग में घुस जाए, और जब आप कहीं बाहर जाओ खरीदने के लिए तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आए कि अच्छा इसकी एड मैंने देखी थी, इसे खरीदता हूँ, है ना, कि आपके दिमाग में वो चीज घुस जाए और आप बाहर जाए तो आप वही चीज खरीदे। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट जो है वो लोगों को कंपनियां दिखाती हैं, क्यों, ताकि वो अपने प्रोडक्ट से लोगों को अवेयर करा पाए कि भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है और आप इसे खरीदें, राइट। तो क्या होता है कि जो टीवी चैनल्स हैं, जो मास मीडियाज हैं, वो कैसे कमाते हैं, वन ऑफ द वे इज थ्रू एडवर्टाइजिंग। तो क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट दिखाती हैं, ठीक है। अब वो एडवर्टाइजमेंट क्यों दिखाती हैं, तो उससे क्या होगा, जो कंपनी है, मैं कंपनी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि जो एडवर्टाइजमेंट चला रही है, तो वो एडवर्टाइजमेंट क्यों चलाती है, उसको क्या मिलेगा, वो तो इतना सारा करोड़ों रुपया दे रही है एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो ऐसा क्यों कर रही है। देखो उसे पता है कि जब हम टीवी चैनल जो है बहुत सारे लोग देखते हैं, हम देखते हैं, बच्चे बूढ़े मतलब सभी तरीके के लोग जो है वो अलग अलग टीवी चैनल टीवी शोज देखते हैं। कंपनी को क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके प्रोडक्ट्स को जाने, है ना। तो उसका एक अच्छा माध्यम क्या है, मास मीडिया, क्योंकि मास मीडिया क्या करता है, वो एक साथ ज्यादा लोगों तक बात को पहुंचा पाता है। तो जो टीवी जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती हैं इन टीवी चैनल्स पे, तो उसे पता है कि जब मैं इन टीवी चैनल्स पे अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाऊंगा तो मेरे प्रोडक्ट के बारे में एक साथ बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, और जब लोगों को पता चलेगा तो वो मेरा सामान खरीदेंगे, मेरा सामान खरीदेंगे तो मेरी बिक्री होगी, मुझे प्रॉफिट होगा, तो इसलिए एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है। तो इससे क्या होता है कि मास मीडिया वाले लोगों को पैसा मिल जाता है, और जो कंपनी है जो एडवर्टीजमेंट दिखा रही है उसको सेल्स मिल जाती है, उसका प्रोडक्ट बिक जाता है। तो आई होप नाउ इट इज क्लियर दैट हाउ मीडिया एंड मनी आर रिलेटेड, दैट मीडिया नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। और पहली बात तो से पैसा ही बहुत लगता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी अपडेट वगैरह कराने में, लोगों को पैसा देने में, है ना, तो टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने में, इन सब में पैसा लगता है। और साथ ही साथ वो कमाता कैसे है, वन ऑफ द वे इज मतलब ज्यादातर क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही मीडिया जो है वो कमाता है। मीडिया एंड डेमोक्रेसी, तो मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है। तो पहले तीन पिलर हो गए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और चौथा हो गया मीडिया। सो एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो चारों पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये और प्लस मीडिया, ये चारों जो हैं अपने अपने काम बहुत अच्छे से निभाएं, अपने जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्हें अच्छे से परफॉर्म करें, ताकि जो डेमोक्रेसी है वो अच्छे से काम कर सके। अब क्योंकि मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि मीडिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, और मीडिया के थ्रू ही हमें पता चल पाता है, जैसे कि न्यूज के थ्रू हमें पता चलता है कि देश में, दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरीके के इवेंट्स देश में हो रहे हैं, क्या घटनाएं दुनिया में घट रही हैं, तो ये सभी चीजों के बारे में हमें मीडिया से पता चलता है, न्यूज से पता चलता है। और जो इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज से मिलती है उसके बेसिस पर ही हमें ये पता चल पाता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम कर रही है, जो सिटीजन्स हैं उन्हें गवर्नमेंट के वर्किंग के बारे में, उसकी पॉलिसीज के बारे में, कि क्या वो सही काम कर रही है, किस तरीके के वो स्टेप्स ले रही है, ये सभी बातें हमें पता चल पाती हैं। और क्या होता है कि सिटीजन्स जो हैं वो इस न्यूज के बेसिस पर, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कभी कभी एक्शंस जो हैं वो भी ले लेते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, राइट, कि अगर उन्होंने कोई ऐसी न्यूज सुनी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सुनी जिससे उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो सही कदम नहीं उठा रही है, वो सिटीजन्स के फेवर में नहीं है, तो सिटीजन्स जो है उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं, जैसे कि वो कंसर्न मिनिस्टर को लेटर्स लिख दें, राइट, कि मान लो किसी सिटी में, किसी जगह पे पानी जो है वो नहीं आ पा रहा है, या साफ पानी नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री को जो है लेटर लिख दें, तो कंसर्न मिनिस्ट्री को वो लोग लेटर लिख सकते हैं, मान लो कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो सही नहीं है तो वो लोग हेल्थ मिनिस्टर को कर सकते हैं, अगर स्कूल अच्छे नहीं है लोकेलिटी में, स्कूल्स जो है वहां पे पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, तो एजुकेशन मिनिस्टर के पास वो अपनी जो है बात को पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से वो कंसर्न मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, कि अगर ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है, तो वो उसके खिलाफ मिलके
पब्लिकली मतलब कि बहुत सारे लोग एक जगह जुट के उसका विरोध कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं कि हम आपके साथ इस फैसले में नहीं हैं। इसके अलावा वो एक सिग्नेचर कैंपेन चला सकते हैं। सिग्नेचर कैंपेन मतलब कि एक जगह पे मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के साइन दिए जाते हैं कि हम सभी लोग एक बात से सहमत करते हैं और गवर्नमेंट के सेक्शन के खिलाफ हैं। तो इस तरीके से सिग्नेचर कैंपेन जो है वो चलाए जाते हैं और इन सभी एक्शंस के थ्रू जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप अपने इस प्रोग्राम, अपनी पॉलिसी के बारे में जरा एक बार और सोच लीजिए, हम इसको सराहा नहीं रहे हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो मीडिया है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में, देश की, दुनिया की, गवर्नमेंट की। तो इस तरीके से हमें पूरा पता चलता है कि भाई आखिरकार चल क्या रहा है, हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट? तो मीडिया जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसलिए मीडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो भी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है वो बैलेंस्ड हो, राइट? बैलेंस्ड मतलब क्या है कि किसी एक ही पक्ष को ना दिखाया जाए, दोनों जो पक्ष हैं, हर जैसे हर किस्से के, हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, इसी तरीके से कोई भी इंसिडेंट हो रहा है तो उसमें हमेशा कोई ना कोई दो तीन पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे। मान लो कहीं दंगा हो गया तो दो लोगों के बीच में तो दंगा होगा, दो पार्टीज के बीच में तो दंगा होगा, और ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष की बात बताएं। तो बैलेंस्ड रिपोर्ट क्या होगी, बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन क्या होगी कि जब आप दोनों पक्षों की बात प्रॉपर तरीके से जनता तक पहुंचाएं। तो बैलेंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बैलेंस्ड का मतलब और डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पे दो रिपोर्ट्स दी हुई हैं, राइट? तो दोनों को ही हम पढ़ते हैं। पहले है क्रैक डाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर्स ब्लॉक रोड्स एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक। तो क्या है, एक सिटी में गवर्नमेंट ने जो पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं उनको बंद करने का आदेश दिया है। कहा है कि वो फैक्ट्रीज जो कि पॉल्यूशन फैला रही हैं सिटी में, उन्हें बंद कर देना चाहिए और उनको दूसरी जगह पे रिलोकेट कर रही है, उन्हें दूसरी जगह पे जाने के लिए कह रही है। तो उसके खिलाफ जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया है। वो उस डिसीजन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उसकी वजह से रोड्स जो है, ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो गई है, राइट? तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो दो अलग अलग न्यूज पेपर्स की रिपोर्ट है, यहाँ पे है न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट और यहाँ इंडिया डेली रिपोर्ट। अब दोनों ही जो रिपोर्ट है उनको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है, वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ओनर्स एंड वर्कर्स ब्रॉट द सिटी टू अ स्टैंड स्टिल टुडे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस सब की वजह से जो गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया कि पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज को बंद करना है, इसकी वजह से लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सिटी है वो एक तरीके से थम सी गई है, ट्रैफिक वगैरह जो है वो पूरा जाम हो रहा है। जो लोग काम पर जाने वाले थे वो टाइम से काम पर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोड्स हैं जो ब्लॉक हो रखे हैं, ट्रैफिक जो है पूरा जाम हो रखा है। तो ऑफिस जाने वाले लोग जो है वो लेट हो रहे हैं, और जो ओनर्स हैं और जो वर्कर्स हैं वो गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही कौन सा डिसीजन, कि जो पॉल्यूटिंग फैक्ट्री यूनिट्स हैं उन्हें क्लोज कर दिया जाए, उन्हें बंद कर दिया जाए। तो इस डिसीजन के खिलाफ ओनर्स एंड वर्कर्स जो है वो आवाज उठा रहे हैं। ऑल दो द गवर्नमेंट डिड टेक दिस डिसीजन रादर हेस्टिली, द प्रोटेस्टर्स हैव मून फॉर क्वाइट सम टाइम दैट देयर यूनिट्स आर नॉट लीगल। तो इसमें कहा जा रहा है कि हाँ, गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन है ये थोड़ा जल्दीबाजी में ले लिया है, बट फिर भी ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, इनको पहले से ही पता था कि इनकी जो फैक्ट्री यूनिट्स हैं वो लीगल नहीं है, वो इलीगल है। और अगर ऐसा हो जाता है कि ये जो पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं इनको बंद कर दिया जाए, तो इसकी वजह से सिटी का जो पॉल्यूशन है एकदम से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और सिटी जो है और ज्यादा क्लीन हो जाएगी। तो मिस्टर जैन जो कि सिटी के एक जाने माने हस्ती हैं, तो वो बताते हैं कि हमारी जो सिटी है, मतलब जिस सिटी में ये डिसीजन लिया जा रहा है, वो जो सिटी है वो धीरे धीरे करके इंडिया का एक बिजनेस हब बनती जा रही है। और इसीलिए मिस्टर जैन का कहना है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो सिटी है वो क्लीन एंड ग्रीन रहे, राइट? कि जैसे जैसे ये जो सिटी है वो बिजनेस हब बनती जा रही है। बिजनेस हब मतलब कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आ रही हैं और ऑफिसेस सेटअप हो रहे हैं, लोग यहाँ काम पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे एक बिजनेस हब बनती जा रही है, वैसे वैसे इसके लिए जरूरी है कि सिटी जो है वो क्लीन एंड ग्रीन रहे। और वो कहते हैं कि जो पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं, ऐसी फैक्ट्रीज जो कि प्रदूषण फैला रही हैं, उन्हें मूव कर जाना चाहिए, उन्हें किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाना चाहिए। और मिस्टर जैन जो है वो कहते हैं कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ओनर्स हैं, इन्हें गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है वो मानना चाहिए और रिलोकेट कर देना चाहिए, कि मतलब इन्हें दूसरी जगह पे चले जाना चाहिए जहाँ गवर्नमेंट इन्हें जाने के लिए कह रही है, और इन्हें प्रोटेस्ट जो है वो बंद कर देना चाहिए, राइट? तो पहले ये वाली पढ़ी, अब दूसरी पढ़ते हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में क्या चीजें
बताई जा रही है और क्या ये दोनों जो रिपोर्ट्स हैं वो बैलेंस्ड हैं कि नहीं, राइट? सो क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉज अनरेस्ट, तो इसकी जो हेडलाइन है वो क्या है कि फैक्ट्रीज का जो बंद होना है उसकी वजह से सिटी में अनरेस्ट हो गया है, सिटी में हलचल हो गई है। सिटी में लगभग 1 लाख फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो जाएंगी इस डिसीजन के कारण, मतलब कि लगभग 1 लाख सिटीज जो हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन इन द सिटी। तो गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद लगभग 1 लाख फैक्ट्रीज जो है वो बंद हो जाएंगी और ये जो इशू है ये एक सीरियस इशू बन जाएगा। अभी जो फैक्ट्रीज है वो सिटी के रेजिडेंशियल एरिया में है। रेजिडेंशियल एरिया मतलब जहाँ पर आम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे जनता जो है हमारे आपके जैसी रह रही है, ठीक है, जहाँ लोगों के घर हैं, तो रेजिडेंशियल एरिया में ये जो फैक्ट्रीज हैं उनको कहा जा रहा है कि भैया आप दूसरी जगह रिलोकेट कर जाए। अब इस डिसीजन की वजह से जैसे कि हमने पढ़ा जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो और जो वर्कर्स हैं वो स्ट्रीट्स पर आ गए हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कि भाई ये गलत है, डिसीजन जो है गलत है, इसकी वजह से उनकी जो लाइवलीहुड है, जो उनकी रोजी रोटी है वो छिन जाएगी, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद हो जाएगा। तो ये जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये सारी गलती तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है कि क्यों वो नई नई फैक्ट्रीज को लाइसेंस देती रही, क्यों वो ऐसी फैक्ट्रीज को पहले से ही लाइसेंस दे रही थी जो कि उसे पता है कि भाई रेजिडेंशियल एरिया में पॉल्यूशन फैलाएंगे। तो फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गलती हुई कि उसने नई फैक्ट्रीज को लाइसेंस इशू क्यों किया, राइट? तो ये आरोप जो है वो फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे लगा रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे लिए रिलोकेशन के लिए एडिकेट एफर्ट जो है वो नहीं डाले गए। मतलब कि हमें बोल तो रहे हैं ये लोग कि भाई दूसरी जगह पे रिलोकेट कर जाओ, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाओ, बट हमारे रिलोकेशन के लिए प्रॉपर एफर्ट्स जो है वो नहीं डाले गए हैं। और इस डिसीजन के प्रोटेस्ट में जो फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स हैं उन्होंने वन डे सिटी बंद रखा है कि एक दिन जो है शहर बंद रहेगा। मिस्टर शर्मा जो कि एक फैक्ट्री के ओनर हैं वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने उन्हें कोई भी फैसिलिटीज, कोई भी जो सहायता है वो प्रोवाइड नहीं कराई है रिलोकेट होने के लिए, और जिन जगहों पे वो हमें भेज रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए वहां पर 5 सालों से कोई भी डेवलपमेंट का जो काम है वो नहीं हुआ है, वहां पे सफिशियंट रिसोर्सेज नहीं है कि ये लोग अपनी फैक्ट्रीज जो है वो लगा पाए। अब हमने दोनों ही रिपोर्ट्स जो है वो पढ़ ली और इससे हमें पता चला कि दोनों ही जो रिपोर्ट्स हैं वो एक ही पक्ष को दिखा रही हैं, ठीक है, कि ये वाली जो रिपोर्ट है इसमें गवर्नमेंट का पक्ष दिखाया जा रहा है, इस रिपोर्ट के माध्यम से एक तरीके से शो किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो सही कर रही है। वहीं अगर हम ये वाली रिपोर्ट पढ़ें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उनका पक्ष दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इस फैक्ट्री क्लोजर की वजह से, इस डिसीजन की वजह से बहुत सारे लोगों की जो रोजी रोटी है वो छिन जाएगी और लोगों को रिलोकेट करने के लिए भी प्रॉपर फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड नहीं कराई गई है। तो दोनों ही रिपोर्ट्स में एक एक पक्ष दिखाया गया है, कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है दोनों में से जो कि बैलेंस्ड हो, राइट? एक बैलेंस्ड रिपोर्ट वो होती है जो कि सभी पॉइंट्स ऑफ व्यूज को दिखाए, सभी पक्षों को दिखाए। मतलब कि एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें कि गवर्नमेंट का भी पक्ष दिखाया जाता है कि भाई सिटी में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, तो लोगों को जो यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें हेल्थ हजार्ड्स जो है उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि किस तरीके से रिलोकेशन की वजह से बहुत सारे लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अफेक्ट होता। तो दोनों ही पक्ष को अगर कोई रिपोर्ट दिखाती तब हम कहते कि वो बैलेंस्ड रिपोर्ट है। तो अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड। तो एक बैलेंस्ड रिपोर्ट वो है जो कि सभी पक्षों को दिखाए, एक मुद्दे के, एक इशू के सभी पक्षों को दिखाए और फिर वो रीडर्स पे छोड़ दे कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, कौन सही है कौन गलत है, ये जो है वो रीडर्स तक छोड़ दें कि रीडर्स अपने आप दोनों पहलुओं को पढ़ के ये समझें कि भाई उन्हें क्या सही लगता है क्या गलत लगता है। अब एक बैलेंस्ड रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट रहे। इंडिपेंडेंट मतलब कि जहां पे उसके काम को कोई भी इन्फ्लुएंस ना कर सके, कोई रोक टोक ना कर सके, कंट्रोल ना कर सके, कि मीडिया को कोई ये ना बताए कि आपको ये चीज बतानी है, आपको ये चीज नहीं बतानी, आपने ये सीन क्यों दिखा दिया, आपने ये मुद्दा क्यों उठा दिया। तो इस तरीके से अगर मीडिया के ऊपर कोई कंट्रोल है, कोई उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आपको ये करना है आपको ये नहीं करना है, तो इस तरीके से अगर कोई मीडिया को बताएगा तब हम नहीं कह सकते कि मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज।
एक इंडिपेंडेंट मीडिया वो है जब उसे कोई भी उसके न्यूज कवरेज में कि वो किन मुद्दों को किन इश्यूज को कवर कर रहा है उससे रिलेटेड कोई भी उसे कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ना करे. नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ स्टोरी. तो कोई भी मीडिया को ये नहीं बताना चाहिए कि आपको ये चीज इंक्लूड करनी चाहिए अपनी रिपोर्ट में और ये चीज नहीं इंक्लूड करनी चाहिए. अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे बताता है, या फिर मीडिया जो है किसी की सुनती है, मीडिया किसी के इशारे पर चलती है कि सर आप बताइए हम क्या क्या रिपोर्ट में डालें क्या क्या नहीं डालें, तो अगर वो मीडिया ऐसा करती है तो हम कहेंगे कि वो जो मीडिया है वो बायस्ड है, वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है. एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. और जैसा कि हमने देखा कि हम मीडिया को फोर्थ पिलर कहते हैं और ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बताता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो एक मीडिया जो है डेमोक्रेसी में वो इंडिपेंडेंट रहे, वो सभी पक्षों को निष्पक्ष होके बताए, सभी पक्षों को एज इट इज बताए कि भाई मुद्दा जो है एज इट इज जनता के सामने रखे और जनता जो है वो अपने आप देखे कि भाई उसे क्या सही लग रहा है क्या गलत. क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो मीडिया लोगों को प्रोवाइड कराती है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर सिटीजन जो है वो एक्शन लेते हैं, राइट. मान लो कि रिपोर्टर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पहलू दिखाएंगे, मान लो वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री ओनर्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स वाला पहलू दिखाएंगे कि किस तरीके से इस डिसीजन की वजह से उनके पेट पर लात पड़ेगी, उनका जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाएगी, बहुत सारे लोगों की जॉब छूट जाएगी. अगर वो इसी पहलू को दिखाएगी तो आम जनता जो मैं और आप जैसे लोग जो हैं जो अपने घरों में बैठे हैं उन्हें क्या लगेगा कि भाई गवर्नमेंट का डिसीजन बहुत गलत है, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम भी सड़कों पर निकलने लगेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए. तो पूरे देश में अनरेस्ट हो जाएगा. कहां तो सिर्फ एक सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा था, और अगर मीडिया जो है वो सिर्फ एक पक्ष दिखाएगी उसकी वजह से पूरा जो देश है उसमें अनरेस्ट हो जाएगा, पूरा देश जो है वो सड़कों पर निकल आएगा. वहीं अगर आपको देखने मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इस तरह की रिपोर्ट दिखाई जाएंगी जहां पे गवर्नमेंट का पहलू दिखाया जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छा कर रही है, इस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है और पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज को ही बंद कराया जा रहा है, तो उससे क्या होगा सब लोग जो प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं उनके खिलाफ जाने लगेंगे कि भाई ये क्यों रोड को बंद कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं. तो मतलब उसकी वजह से भी क्या होगा, अनरेस्ट पैदा होगा, है ना. फिर बहुत सारे लोग सड़कों पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका विरोध करने के लिए निकल जाएंगे कि भाई तुम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, जाओ अपने अपने घर जाओ या प्रोटेस्ट करो, इस तरीके से करके फिर लोग निकल जाएंगे सड़कों पर. तो मतलब कि कोई भी अगर आप एक किसी भी स्टोरी का सिर्फ एक पहलू दिखाओगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि लोग जो है वो नेगेटिवली चीज को ले लें और लोगों के सामने प्रॉपर पिक्चर जो है वो उसकी ना आ पाए, और लोग जल्दीबाजी में इंफॉर्मेशन के अभाव लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से क्या होगा लोग गलत एक्शंस ले सकते हैं. वहीं अगर किसी रिपोर्ट में ये दोनों ही मुद्दे दिखाए जाते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं गलत है कि उसने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उसने पहले जो है वो ये कदम क्यों नहीं उठाया, लाइसेंस क्यों प्रोवाइड कराया रेजिडेंशियल एरिया में. वहीं ये भी पता चलेगा कि भाई जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में क्यों इस तरीके से मतलब पॉल्यूशन कर्ब करने के लिए स्टेप्स क्यों नहीं उठाए, क्यों वो ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं जो कि पॉल्यूशन फैला रही है, या फिर अगर गवर्नमेंट उन्हें प्रॉपर रिलोकेशन के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड भी करा रही है तो वो लोग क्यों नहीं जा रहे. इस तरीके से करके हम दोनों ही पहलुओं को अपने माइंड में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि क्या चीज हमें सही लगती है. हम किसी दूसरे के बेसिस पर अपना माइंड नहीं बनाएंगे, राइट. अब हम ये कह तो रहे हैं कि डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट रहे, बट हकीकत क्या है, क्या मीडिया सच में इंडिपेंडेंट है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट. मीडिया जो है वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है. मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो कि उसको ये बताते रहते हैं कि यू शुड इंक्लूड दिस इन योर स्टोरी, यू शुड कवर दिस एंड यू शुड नॉट कवर दिस. सो देयर आर पीपल हु आर टेलिंग द मीडिया व्हाट दे शुड डू एंड व्हाट दे शुड नॉट डू. तो जो मीडिया की इंडिपेंडेंस है वो क्यों खराब हो रही है, क्यों मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसके मेनली दो कारण हैं. पहला तो है कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट है वो मीडिया को कंट्रोल करती है, राइट. तो आप लोगों ने न्यूज वगैरह में भी सुना होगा कि जब कोई मूवी वगैरह निकलती है उस पर बहुत ज्यादा जो है चर्चा चलती है कि हमें सुनने मिलता है कि जो सेंसर बोर्ड है उसने इस मूवी पर रोक लगा दी है, इस मूवी के इस सीन को बैन कर दिया है कि ये सीन नहीं दिखना चाहिए. हमें इस तरीके की बातें जो है वो सुनने के लिए मिलती हैं कि गवर्नमेंट ने जो सेंसर बोर्ड है उसने इस गाने पर बैन कर दिया है, इस गाने के लिरिक्स को हटाने के लिए बोला है, इन सीन्स को हटाने के लिए बोला है. तो हमें ऐसे सुनने मिलता है.
तो जब भी गवर्नमेंट किसी भी न्यूज आइटम या सीन फ्रॉम द मूवी या फिर गाने के लिरिक्स को हटाने के लिए बोलती है कि इस हिस्से को, मूवी के इस हिस्से को हटा दो, मूवी के सीन को हटा दो, एक गाने में से ये लिरिक्स हटा दो, या फिर ये न्यूज आइटम हटा दो, कि न्यूज रिपोर्टर्स को बोलती है कि आप ये वाली रिपोर्ट मत दिखाओ जनता को, सिटीजन्स तक ये चीजें नहीं पहुंचनी चाहिए, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, सेंसरशिप, राइट? When the government prevents either a news item or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, जब government कहती है कि ये सभी चीजें जो हैं, कोई news item हो गया, कोई scene हो गया movie का, कोई lyrics हो गई, कि वो larger public तक, आम जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तब हम इसे क्या कहते हैं, censorship, right? तो इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कई बार कि जो मीडिया है उसको सेंसर कर दिया गया है, मतलब कि मीडिया पर रोक लगा दी गई है कि आपको ये चीजें दिखानी है, आपको ये चीजें नहीं दिखानी, या फिर आप कुछ भी नहीं दिखा सकते। तो इस तरीके से सेंसरशिप जो है वो मीडिया पर हुई है। द वर्स्ट ऑफ दीज वाज द एमरजेंसी बिटवीन 1975 एंड 1977। तो 1975 से लेकर 1977 में हमारे देश में एमरजेंसी लगी थी, और उसके दौरान मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी, मीडिया पर भी काफी रोक लगा दी गई थी कि आपको ये दिखाना है, आपको ये नहीं दिखाना है। इस तरीके से एमरजेंसी के दौरान मीडिया पर भी रोक टोक की गई थी। वैसे हम फिल्म्स के बारे में रेगुलरली सुनते रहते हैं कि जो गवर्नमेंट है या जो सेंसर बोर्ड है उसने इस फिल्म को रोक दिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो हम फिल्म्स के बारे में तो नॉर्मली सुनते रहते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो नॉर्मली फिल्म्स को, फिल्म्स के सीन्स को, लिरिक्स को सेंसर करती रहती है, बट मीडिया कवरेज को वो बहुत मुश्किल ही सेंसर करती है। मतलब कि नॉर्मली जो गवर्नमेंट है वो मीडिया कवरेज को, जो न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह दिखा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स दिखाई जा रही हैं, उनको वो नॉर्मली सेंसर नहीं करती। बहुत कम ऐसा होता है कि जैसे कि एमरजेंसी के टाइम पर हुआ कि मीडिया को सेंसर कर दिया गया, राइट? तो यूजुअली जो गवर्नमेंट है वो मूवीज, सॉन्ग्स, इन सबको तो सेंसर करती है, बट न्यूज को, मीडिया कवरेज को सेंसर नहीं करती नॉर्मली। अब गवर्नमेंट तो सेंसरशिप नहीं करती नॉर्मली मीडिया को, बट फिर भी ये जो न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज पेपर्स हैं, वो एक बैलेंस स्टोरी प्रोवाइड कराने में असमर्थ रह जाते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से उन पे कोई कंट्रोल नहीं आ रहा कि आप ये करो वो करो, बट फिर भी हमें ये देखने मिलता है कि ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, ये हमें एक बैलेंस स्टोरी नहीं प्रोवाइड करते। किसी एक चैनल से देखने मिलेगा कि कोई और, वहीं दूसरा चैनल जो है वो स्टोरी का कोई और पहलू दिखा रहा होता है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है? द रीजन फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड। तो इस चीज के जो रीजंस हैं कि क्यों चैनल्स जो हैं वो फिर भी बैलेंस स्टोरी नहीं दिखाते, इसके रीजंस काफी सारे हैं। Persons who research the media have said that this happens because business houses control the media. तो जिन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की है, इसके ऊपर खोज की है कि भाई ऐसा क्यों है, ये व्हाट आर द रीजंस दैट मीडिया इज नॉट बीइंग बैलेंस्ड, तो उससे पता चला है कि सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि जो मीडिया है उसे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस कंट्रोल करते हैं, राइट? ये तो हमने पढ़ा था ना कि ज्यादातर, क्योंकि मीडिया में पैसा बहुत लगता है, बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ज्यादातर हमें ये देखने मिलता है कि मीडिया को, न्यूज चैनल्स को, टीवी चैनल्स को बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। एट टाइम्स इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ दीज बिजनेसेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो बिजनेसेस हैं जो कि किसी न्यूज हाउस को, किसी न्यूज चैनल को, मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, ये उन बिजनेसेस के फायदे के लिए होता है, ये उन बिजनेसेस के पक्ष में होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड ही दिखाएं। मतलब कि जो बिजनेस हाउसेस हैं वो क्या कहते हैं मीडिया को, आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला पहलू दिखाओ, इस पहलू में हमारा फायदा है, तो वो सिर्फ वही वाला पहलू दिखाते हैं, वही वाला पक्ष दिखाते हैं जिनसे कि उन बिजनेसेस को फायदा होने वाला है। अब क्योंकि मीडिया को कंटिन्यूअली मनी तो चाहिए, पैसा जो है एक पूरे चैनल को चलाने के लिए, न्यूज रिपोर्ट को बनाने के लिए, इन सब में पैसा लगता है, डेफिनेटली लगता है। और ये पैसा कहाँ से आता है? अगेन बिजनेस हाउसेस से आता है, एडवर्टाइजिंग कंपनीज से आता है। तो इसलिए जो न्यूज चैनल्स हैं, जो न्यूज पेपर्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करें जिनसे उन्हें पैसा मिल रहा है या जिन कंपनीज की वो एडवर्टाइजमेंट दिखा रही। आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, कि देखो मीडिया जो है कुछ बिजनेस हाउसेस से पैसा लेती है, कुछ बिजनेस हाउसेस जो है वो मीडिया को फंड करते हैं, वहीं दूसरा जो तरीका है जिससे मीडिया कमाती है वो है एडवर्टीजमेंट, कि उन्हें एडवर्टीजमेंट से, कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देती है इन चैनल्स पर। तो जो मीडिया है वो इन बिजनेस हाउसेस के खिलाफ, इन एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के खिलाफ, कि जिन कंपनीज की एडवर्टीजमेंट चल रही है, जो प्रोडक्ट है उन कंपनीज के खिलाफ और इन बिजनेस हाउसेस के खिलाफ वो रिपोर्ट
नहीं दिखा पाती, क्यों? क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ फंड तो यही लोग है ना। अगर वो इनके खिलाफ एडवर्टीजमेंट, इनके खिलाफ रिपोर्ट करेगी, इनके खिलाफ लोगों के सामने मुद्दे रखेगी, तो ये लोग इनको पैसा नहीं देंगे। तो ये भी रीजन है कि जो मीडिया है वो बैलेंस रिपोर्ट नहीं देती, वो सिर्फ और सिर्फ एक जो पहलू है वो दिखाती है। मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेस। और इसीलिए अब मीडिया को इंडिपेंडेंट नहीं माना जाता, क्योंकि उसके जो लिंक्स हैं वो बिजनेसेस से बहुत ज्यादा क्लोज हैं। वो बिजनेसेस के इशारे पर काम करती है ज्यादातर। जो भी मुद्दे, जो भी पक्ष बिजनेसेस के फायदे के लिए होता है, सिर्फ उसी पहलू को जो मीडिया है वो दिखाती है हम तक। बिसाइड्स द अबव, मीडिया ऑल्सो टेंड्स टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ स्टोरी बिकॉज दे बिलीव दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग। और इन सब के अलावा कि भाई अगर वो कंपनीज के खिलाफ दिखाएगी या फिर बिजनेस हाउसेस के खिलाफ दिखाएगी तो भाई उन्हें पैसा मिलना बंद हो जाएगा, एक रीजन ये तो है ही। दूसरा ये भी है कि कभी कभी मीडिया को क्या लगता है कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट दिखाएंगे स्टोरी का तो वो लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, वो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इनकी रिपोर्ट को देखेंगे। तो न्यूज रिपोर्ट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में मीडिया जो है क्या करती है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पहलू दिखाती है। और अगर वो किसी एक पर्टिकुलर इशू के लिए लोगों का सपोर्ट चाहते हैं कि लोग इस पर्टिकुलर इशू के लिए सपोर्ट करें, तो भी वो उसी इशू को दिखाएंगे, दूसरे पर्टिकुलर जो उसका दूसरा पहलू है उसे नहीं दिखाते। कि किसी किसी इशू में वो चाहते हैं कि एक पक्ष को सपोर्ट मिले, है ना, वो बायस्ड हो जाते हैं कि सिर्फ इस पक्ष को सपोर्ट मिले, तो फिर वो उसी पक्ष की बात को रखेंगे ना, तो दूसरा पहलू, दूसरे जो लोग हैं उनकी बातों को नहीं रखते, वो सिर्फ एक ही जो साइड है स्टोरी की उसे दिखाते हैं। तो इतना कुछ अभी तक हमने मीडिया के बारे में पढ़ा, मीडिया और डेमोक्रेसी के बारे में। उससे हमें क्या पता चला? पहला तो ये कि जो डेमोक्रेसी है उसमें मीडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो भी इंफॉर्मेशन है देश के बारे में, दुनिया के बारे में, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या मुद्दे चल रहे हैं, लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन सब के बारे में हमें मीडिया से पता चलता है। और इसीलिए मीडिया का जरूरी हो जाता है कि वो बैलेंस रिपोर्ट दे। बट बहुत सारे कारण हैं ऐसे कि जिनकी वजह से मीडिया जो है वो एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं दे पाती, राइट? एक तो है कि भाई गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट जो है वो सेंसर करती है कभी कभी न्यूज को, मूवीज को, लिरिक्स को, कि वो सेंसर करती है कि आपको ये दिखाना है नहीं दिखाना, राइट? बट हमें ये भी पता चला आगे कि भाई गवर्नमेंट जो है वो ज्यादातर फिल्म्स को, गानों को, इन सबको सेंसर करती है। नॉर्मली वो मीडिया को सेंसर नहीं करती, मीडिया पर रोक टोक नहीं लगाती, बट फिर भी मीडिया जो है वो एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं देती है। उसके क्या कारण है? पहला ये कि भाई ये मीडिया जो है वो बिजनेस हाउसेस द्वारा चलाई जाती है, और जो भी मुद्दा बिजनेस हाउसेस के पक्ष में होगा, जो भी पहलू जो है, जो स्टोरी का साइड बिजनेस हाउसेस को फायदा देगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसी साइड को दिखाएंगे। दूसरा ये भी है कि उन्हें एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है जिन कंपनीज से मिलती है, जिन बिजनेस हाउसेस से उन्हें पैसा मिलता है, उन बिजनेस हाउसेस के खिलाफ, उन कंपनीज के खिलाफ वो नहीं जाते ताकि उन्हें पैसे की दिक्कत ना आए। और ये भी कि कभी कभी वो स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सिर्फ एक पहलू दिखाते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो बता दिया। अब ये एक सेक्शन है जिसमें बताया गया है व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी, कि जो टीवी है वो हमारे साथ क्या करता है, किस तरीके से टीवी जो है वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सेक्शन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो लगभग हम सभी के घरों में जो है टीवी देखने मिलता है, और ज्यादातर जो है वो टीवी जो है ऑन ही रहता है, घर में टीवी जो है वो लगभग चलता ही रहता है हमेशा। कभी कभी तो ऐसा होता है कोई देख भी नहीं रहा होता है, बट फिर भी टीवी जो है वो अपने आप ही चल रहा होता है कि भाई कोई देखे ना देखे, बट टीवी जो है ऑन है। और दुनिया के बारे में जो इम्प्रेशन है, दुनिया के बारे में जो इमेज है कि दुनिया कैसी है, ये हमें ज्यादातर किससे पता चलता है? टीवी से। कि टीवी में हम जो भी देखते हैं उसके बेसिस पर हम अपने दिमाग में इमेजेस बना लेते हैं, इम्प्रेशन बना लेते हैं कि अच्छा दुनिया ऐसी है, वो देश ऐसा है, ये आदमी ऐसा है कि जिसको हम टीवी पे बोलते देख रहे हैं वो हमें लगता है कि वो अच्छा ऐसा है। तो टीवी के बेसिस पर हम वर्ल्ड के बारे में एक तरीके से इमेज बना लेते हैं। इट इज लाइक अ विंडो ऑन द वर्ल्ड। टीवी जो है एक तरीके से दुनिया की खिड़की है, इस खिड़की को हम खोलेंगे तो हम दुनिया को देख सकते हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है कि जो टीवी है वो किस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करता है, वो हमें किस तरीके से प्रभावित करता है? तो टीवी में अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आते हैं, सोप आते हैं, ओपराज आते हैं, लाइक सास भी कभी बहू थी, गेम शोज आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी शोज आते हैं जैसे कि बिग बॉस हो गया, न्यूज आती है, स्पोर्ट्स आते हैं, कार्टून आते हैं, गाने आते हैं, मूवीज आती हैं, भी बहुत कुछ आता है, राइट? तो टीवीज में हम बहुत सारी चीज देखते हैं, राइट? कि डेली सोप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सास भी कभी बहू थी, नागिन वगैरह, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, आप भी देखते होंगे, ठीक है?
गेम शोज होते हैं, कौन बनेगा करोड़पति वगैरह होते हैं, और रियलिटी टीवी शोज होते हैं जैसे कि इंडियन आइडल वगैरह हो गए, बिग बॉस हो गए, न्यूज हो गई, जो कि आप तो बड़ी ही मुश्किल से देखते होंगे, है ना, कि पेरेंट्स जो है वो भी चलाते हैं और आप लड़ते हो कि भाई न्यूज क्यों चला दी, है ना, बट न्यूज देखनी चाहिए। स्पोर्ट्स, बहुत सारे लोग जो है उन्हें स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो वो दिन भर क्रिकेट वगैरह और स्पोर्ट्स चैनल चला के रखते हैं, कार्टून्स, तो ये सभी चीजें जो है वो हम देखते रहते हैं। अब इन सभी चीजों में ना आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो क्या है, वो है एडवर्टीजमेंट। आप चाहे कुछ भी देख लो, आप सीरियल देख लो, आप रियलिटी शोज देख लो, आप न्यूज देख लो, स्पोर्ट्स देख लो, कार्टून देख लो, आपको हर जगह जो है एडवर्टीजमेंट देखने जरूर मिलेगी, कि आपको 10 मिनट का शो दिखा रहे हैं और उसके बाद आपको 5 मिनट की एड दिखा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं। दिस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच मनी, ओनली दोस प्रोग्राम्स दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज आर शोन। अब क्योंकि टीवी का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट करता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। टीवी का टाइम मतलब कि अगर आप टीवी पर चैनल पर 1 मिनट के लिए कुछ दिखा रहे हो तो आपसे पैसा चार्ज करते हैं कि भाई 1 मिनट के लिए आप इतना चला रहे हो तो 1 मिनट का इतना रुपया लगेगा, 2 मिनट तो फिर और पैसा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से टीवी का जो कॉस्ट है कि जितने टाइम आप अपना आइटम जो है अपना प्रोग्राम टीवी पे दिखा रहे हो तो उस हिसाब से आपका पैसा लगता है। तो टीवी का टाइम जो है क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा वाला है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इस वजह से सिर्फ वही प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं टीवी पे जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सके, जिनमें जिनको ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो देखें। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की चीजें जो है ज्यादातर लोग देखते हैं, किस तरीके की चीजें टीवी पे दिखाई जाती हैं? तो डज इट शोज अस मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ रिच और द पुअर, कि जो टीवी में हम चीजें देखते हैं उसमें ज्यादातर हमें अमीरों के बारे में दिखाया जाता है कि गरीबों के बारे में? ऑब्वियसली ज्यादातर जो आप सीरियल्स वगैरह देखोगे, आप देखोगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ अमीरियत ही दिखाई जाती है, कि ज्यादातर लोग जो है मिडिल क्लास हैं और वो अमीरियत में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जो लेविश लाइफ है वो उन्हें बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि टीवी किस तरीके से हमारा जो व्यू है वर्ल्ड को लेकर, कि दुनिया कैसी है, वो उस व्यू को किस तरीके से अफेक्ट करता है, हमारे बिलीव्स, हमारा एटीट्यूड, हमारी वैल्यूज, तो इन सभी चीजों को टीवी जो है वो अफेक्ट करता है। और जो टीवी है वो हमें पूरे वर्ल्ड का पार्शियल व्यू दिखाता है, मतलब कि वर्ल्ड जो है वो उसे एज इट इज नहीं दिखाता, उसके सिर्फ और सिर्फ कुछ पहलू हैं जिनके बारे में हमें टीवी के थ्रू पता चलता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनके बारे में हम नहीं जान पाते, राइट। तो टीवी के थ्रू हमें वर्ल्ड का एक पार्शियल व्यू मिलता है, आधा अधूरा जो है वो व्यू मिलता है। अब हम लोग तो अपने फेवरेट प्रोग्राम्स वगैरह को बड़े ही अच्छे से इंजॉय करते हैं, बट हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम जाने कि एक एक्साइटिंग और बहुत ही बड़ी दुनिया जो है वो टीवी के बाहर एग्जिस्ट करती है। टीवी के अलावा जो दुनिया है उसके अलावा बहुत बड़ी दुनिया है जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत कुछ ऐसा है जिसे कि टीवी जो है इग्नोर कर देता है, टीवी हमें नहीं दिखाता, और जिस वजह से हमारे पास सिर्फ पार्शियल व्यू आ पाता है, हम सिर्फ और सिर्फ कुछ मुद्दे, कुछ पहलू जो है वर्ल्ड के बारे में जान पाते हैं। एक ऐसा वर्ल्ड है जो कि बियॉन्ड फिल्म स्टार है, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार, इन्हीं चीजों में फंसे रह जाते हैं, जबकि बाहर ऐसे भी लोग हैं जो गरीब हैं, जो कमा नहीं पाते, तो उनके बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई देश में किस तरीके से हालात हैं, किस तरीके की स्कीम्स चल रही हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए पॉलिसीज ला रही है। तो ये भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि न्यूज चैनल्स वगैरह नहीं दिखाते, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम आसपास जाके देखें कि भाई हो क्या रहा है, और हम हर चीज को क्वेश्चन करें कि भाई क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इससे क्या होगा, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो जो भी चीज हम देख रहे हैं हम उस पे सवाल उठाएं। तो बेसिकली टीवी क्या करता है, टीवी हमारे देखने के नजरिए को पूरी तरीके से चेंज कर देता है, राइट। और सिर्फ हमें कुछ ही हिस्सा दिखाता है इस वर्ल्ड के बारे में, जबकि वर्ल्ड जो है बहुत बड़ा है, इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इस टीवी वाली दुनिया से बाहर निकलें और रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें और उन चीजों को भी जानें जो कि हमें टीवी दिखाता है, राइट। और जो भी टीवी में हमें दिखाया जाता है हम उसको सवाल करें कि ये क्यों दिखाया जा रहा है, किस लिए दिखाया जा रहा है, क्या ये सही भी है, कहीं ये गलत तो नहीं, तो ये सभी चीजों पे हमें सवाल भी उठाना है। सेटिंग एजेंडाज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंडा? एजेंडा का मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ मैटर्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड, कि उन मैटर्स की सूची, उन मैटर्स की लिस्ट जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो ये जो हेडिंग है वो अगेन मीडिया से ही रिलेटेड है, कि जो मीडिया है वो एजेंडास को सेट करती है। सो इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस दैट वन ऑफ द रीजन दैट मीडिया डज नॉट शो द बैलेंस्ड रिपोर्ट इज दैट समटाइम दे शो दैट साइड ऑफ द स्टोरी दैट दे थिंक विल अट्रैक्ट मोर व्यूअर्स, ठीक है। तो वो वाली साइड दिखाते हैं कभी कभी जो उन्हें लगता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट करेगी, तो इस वजह से वो एक बैलेंस्ड रिपोर्ट नहीं दिखाते।
तो इसी तरीके से मीडिया जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन। कि मीडिया जो है वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि भाई हम व्यूअर्स को कुछ दिखाने वाले हैं तो भाई क्या दिखाएं, किन मुद्दों को उठाया जाए, किन स्टोरीज को कवर किया जाए, किन की प्रॉब्लम्स दिखाई जाए, किन की नहीं दिखाई जाए, तो ये सभी चीजें जो है वो मीडिया कवर करता है, राइट। तो मीडिया जो है वो डिसाइड करता है व्हाट इज न्यूज वर्दी, कि क्या उन्हें दिखाना चाहिए लोगों को, क्या लोगों के फायदे में रहेगा और क्या हमारे फायदे में रहेगा, राइट। कि जो न्यूज हाउसेज हैं वो ये भी तो सोचते हैं कि भाई किस न्यूज को दिखाने में हमारा फायदा रहेगा, और कभी कभी वो लोग वो न्यूज भी दिखाते हैं जिनमें लोगों का फायदा हो, राइट। तो अगर हम इसी का एग्जाम्पल लें कि भाई किस तरीके से मीडिया जो है वो डिसाइड करता है किस चीज को स्टोरी में कवर करना है या नहीं करना, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्कूल में एनुअल फेस्ट हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली कोई बड़ा सा न्यूज चैनल आके तो मतलब आपके उसको कवर नहीं करेगा कि अच्छा है स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, कोई नहीं करेगा कवर, राइट। बट अगर आपके एनुअल डे में कोई बहुत ही फेमस एक्टर आ रहा है ना, तब पॉसिबिलिटीज हैं कि जो मीडिया है वो आपके एनुअल डे को, एनुअल फंक्शन को कवर करे कि इस स्कूल में एनुअल फंक्शन में ये जो चीफ गेस्ट है वो फेमस एक्टर आ रहा है। तो देखा किस तरीके से मीडिया जो है वो डिसाइड करता है कि क्या उसे लोगों को दिखाना है और क्या नहीं। कि जब तक ये सिर्फ आपका एक नॉर्मल एनुअल फंक्शन था, तब तक मीडिया को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन को दूसरे लोगों को दिखाए। बट जैसे ही उस एनुअल फंक्शन से एक फेमस एक्टर एसोसिएट हो गया कि उस एनुअल फंक्शन में एक फेमस एक्टर आएगा एज चीफ गेस्ट, तब जो मीडिया है वो भागी भागी आने लगी कि चलो इसको दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं। तो बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इश्यूज द मीडिया इन्फ्लुएंसेस आर थॉट। तो किसी एक पर्टिकुलर इशू पर फोकस करके, किसी एक मुद्दे को उठाकर मीडिया जो है वो हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, राइट। हमारी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। कि जैसा भी हम न्यूज में देखेंगे उसी तरीके से हम सोचेंगे, उसी तरीके से हम ये सोचेंगे कि भाई दुनिया इस तरीके की, अच्छा इस देश में ऐसा हो रहा है, और हमें ये लगता है कि हम न्यूज में जो भी मुद्दे देखते हैं वो इम्पोर्टेंट है, राइट। कि मान लो किसी जगह पे पीने के पानी की कमी हो रही है, कहीं पे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, ठीक है, एट द सेम टाइम और कहीं पे ऐसा कोई फेमस एक्टर जो है वो चीफ गेस्ट बन के कहीं आ रहा है, तो न्यूज चैनल ने क्या चूज किया कि वो फेमस एक्टर वाली स्टोरी जो है वो लोगों को दिखाएंगे। तो जब हम ये देखेंगे कि भाई फेमस एक्टर कोई आ रहा है, हम वो सब चीजें देखेंगे, तो हमें वो पहलू नहीं पता चल पाएगा, हमें उन लोगों के बारे में नहीं पता चल पाएगा जो कि पानी की दिक्कत से जूझ रहे हैं, राइट। तो हमें लगेगा कि भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर ऐसी होती तो हमारे न्यूज चैनल वाले हमें दिखाते हैं, तो हम न्यूज चैनल्स पे बहुत ज्यादा भरोसा भी करते हैं, राइट। और वो हमारे दिमाग को, हमारे थॉट्स को, फीलिंग्स को, सबको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। अब क्योंकि मीडिया जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब कि बहुत ज्यादा हमें इन्फ्लुएंस करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में निभाता है, हमारे विचारों को शेप देने के लिए और हमारे नजरिए को चेंज करने के लिए, न्यूज जो है, मीडिया जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस वजह से क्या कहा जाता है कि मीडिया सेट्स द एजेंडा, कि मीडिया जो है वो एजेंडा सेट करता है, मीडिया ये डिसाइड करता है कि भाई क्या क्या चीजें जो है, क्या क्या इश्यूज जो है वो लोगों को दिखाने चाहिए। तो अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि मीडिया ने हमारा जो ध्यान है वो कोला ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स के ओर आकर्षित किया था, कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि ये जो कोला ड्रिंक्स हैं इनमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, और जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया तो उसके थ्रू उन्होंने हमें अवेयर किया और उन्होंने एक तरीके से हमें जागरूक किया कि हम अपने कोला ड्रिंक्स की जो कंजम्पशन है उस पर रोक करें, उसको ध्यान में रखें कि भाई हम इस तरीके के पीने की चीज, खाने की चीज ना खाएं जिनमें कि इस तरीके से केमिकल, हार्मफुल केमिकल्स जो है वो मिले हुए हैं। तो ये एक तरीके से बड़े ही अच्छा काम किया, बड़ा ही अच्छा इशू उठाया इन लोगों ने, कि जिससे लोगों की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी, इन लोगों ने, जो मीडिया है उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि हम पेस्टिसाइड्स वाली जो कोला ड्रिंक्स वगैरह हैं ये ना पिए और वही चीजें कंज्यूम करें जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं, जो कि मतलब क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हैं। दे डिड दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स रेजिस्टेंस बाय बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट कोलास वर अनसेफ। तो जो न्यूज हाउसेस थे, जो मीडिया थी, तो यहाँ पे देखो मीडिया और न्यूज हाउसेस को अभी मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रही हूँ, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मीडिया जो है वो एक बड़ी टर्म है और मीडिया का मतलब सिर्फ न्यूज नहीं होता है, राइट। बट जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके लिए हम मीडिया एंड न्यूज जो है वो इंटरचेंजेबली ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स
न्यूज में ही ऐसी चीजें बताई जाती हैं, किसी टीवी सोप वाले जो चैनल है उसमें तो ऐसा नहीं दिखाया जाता कि भाई कोला ड्रिंक्स जो है वो सेफ नहीं है। बेसिकली ऐसे मुद्दे जो है वो न्यूज चैनल्स पे ही उठाए जाते हैं, बट न्यूज जो है वो मीडिया का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो मीडिया है उसने ये जो कोला में पेस्टिसाइड वाला मुद्दा है ये फिर भी उठाया, मतलब कि जब गवर्नमेंट जो है इस चीज को रेजिस्ट कर रही थी, बोल रही थी कि भाई आप इस तरीके के मुद्दे जो है वो जनता के बीच में मत लाओ, एक तरीके से गवर्नमेंट मीडिया को इन मुद्दों को सामने लाने से रोक रही थी, बट फिर भी मीडिया ने क्या किया, बिना डरे हुए बोल्डली हिम्मत से कॉन्फिडेंस से ये जो मुद्दा है वो लोगों के सामने रखा और कहा कि जो कोला है वो अनसेफ है, वो पीने के लिए ठीक नहीं है। इन कवरिंग दिस स्टोरी द मीडिया पॉजिटिवली हेल्प अस फोकस ऑन एन इशू दैट अफेक्ट्स आवर लाइफ। तो इस मुद्दे को उठाकर मीडिया ने एक अच्छा काम किया, हमारी लाइफ को पॉजिटिवली मतलब कि सकारात्मक रूप से अफेक्ट किया, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा था ये जो कि हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। हम डेली इस तरीके की जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो कंज्यूम करते हैं और बहुत सारे ऐसे खाने खाते हैं जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो अगर ऐसी चीजों को हमारे सामने कोई ला रहा है तो हम अपने खान पान का ध्यान रख सकते हैं, हम इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, राइट। बट कभी कभी क्या होता है कि मीडिया जो है वो हमारा ध्यान ऐसे मुद्दों पर केंद्रित करने से चूक हो जाती है, फेल हो जाती है जो कि हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब कि मीडिया जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दों को ना दिखाते हुए वो कम इम्पोर्टेंट इश्यूज को दिखाती है हमारे हमें। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री, हमारे कंट्री में पीने के पानी की भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, दिक्कत है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां लोगों को मतलब बहुत दूर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर तक दिन में ट्रेवल करना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, फिर पानी लाना पड़ता है। तो ड्रिंकिंग वाटर एक बड़ी प्रॉब्लम है। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफर एंड डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो हर साल हजारों लोग मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें साफ पीने का पानी नहीं मिल पाता। बट हमारी जो मीडिया है वो इस मुद्दे को बहुत मुश्किल ही डिस्कस करती है, राइट, कि वो दूसरे दूसरे मुद्दों को दिखाई जा रही है, बट इस तरीके के बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनको वो बहुत कम दिखाती है, उनको नहीं दिखाती, एक तरीके से इग्नोर ही कर देती है। तो एक वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट थे, तो उन्होंने हमारा जो ध्यान है एक चीज के तरफ केंद्रित किया, एक चीज की ओर आकर्षित किया। क्या चीज थी वो? कि किस तरीके से मीडिया जो है वो कम इम्पोर्टेंट चीजों को लोगों के सामने रखती है। तो एक हफ्ते में क्या था, एक हफ्ते में फैशन वीक चलने वाला था, एक फैशन वीक होने वाला था। मतलब फैशन वीक क्या होता है, जहाँ पे अलग अलग क्लोथ डिजाइनर जो है वो अपने क्रिएशंस लोगों को दिखाते हैं, जो अमीर अमीर लोग हैं उनके सामने अपनी क्रिएशंस को इस तरीके से रखते हैं। आपने रैंप वॉक और ये फैशन वीक ये सब सुना होगा, आप इन सब के बारे में तो बड़े अच्छे से जानते होंगे, राइट। तो इस तरीके से एक फैशन वीक होने वाला था और उस फैशन वीक ने सभी न्यूज पेपर्स की हेडलाइन बना ली, मतलब कि लगभग हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे उस फैशन वीक के बारे में न्यूज थी, हेडलाइन थी। और वहीं उसी हफ्ते क्या था कि मुंबई में बहुत सारे स्लम्स जो है उन्हें डिमोलिश किया जा रहा था, बहुत सारी झुग्गी बस्तियां जो है उन्हें उजाड़ा जा रहा था। तो उस चीज के बारे में किसी ने नोटिस नहीं किया, उस चीज के बारे में किसी ने न्यूज नहीं बनाई। तो देखा किस तरीके से हमारी मीडिया जो है वो लेस इंपॉर्टेंट मुद्दों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, राइट, कि हमें क्या लेना देना कि भाई फैशन वीक में क्या हो रहा है। वैसे भी हम तो वैसे मिडिल क्लास लोग हैं, अमीरों को पता होगा, वो अपना जाके देख लेंगे जो भी उनका फैशन वीक वगैरह होगा, बट हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ना कि भाई इस देश में क्या हो रहा है, कि किस तरीके से किसी की झुग्गी बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। अभी अगर इन दो मुद्दों में कंपेयर करें तो हमें वो झुग्गी बस्ती वाला कि स्लम को डिमोलिश किया जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखता है, कि वहां पे किसी के राइट्स का हनन ना हो, कहीं ये गलत तो नहीं। तो इस तरीके से ये वाला मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बट मीडिया ने क्या किया, बट न्यूज़पेपर्स ने क्या किया कि स्लम वाले मुद्दे को तो दिखाया ही नहीं और जो फैशन वीक वाला मुद्दा है वो हेडलाइंस बना रहा। तो इस तरीके से क्या लोगों को पता चलेगा कि इस तरीके की जो चीजें हैं वो एग्जिस्ट भी कर रही हैं? कि लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ फैशन वीक के बारे में पता चलेगा, लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई कहीं पे स्लम्स को भी डिमोलिश किया जा रहा है। इसलिए मीडिया जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे थॉट्स को शेप देने में। As citizens of a democracy, the media has a very important role to play in our lives because it is through the media that we hear about the issues related to the working of the government. So, एक democratic country के नागरिक होने के नाते media जो है वो हमारी life में बहुत important role play करता है। तो अभी तक हमें वैसे काफी अच्छे से समझ आ चुका है कि किस तरीके से media हमारे life में important role play करता है।
मीडिया के थ्रू ही हम ये जान पाते हैं कि जो गवर्नमेंट है हमारे देश में वो किस तरीके से काम कर रही है, वो क्या पॉलिसीज ला रही है, वो क्या कदम उठा रही है, क्या उसके द्वारा किए हुए कदम जो है वो सही भी हैं। तो ये हम कैसे पता चलेगा, जब जो मीडिया है वो हमारे सामने सारी चीजें रखेगी, कोई इशू उठाएगी, उसके सारे पक्ष दिखाएगी, सारे पहलू दिखाएगी, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही कर रही है। तो इस तरीके से मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और मीडिया जो है ये डिसाइड करती है कि भाई उसे क्या चीज लोगों को दिखानी है, किस चीज पे उसे फोकस करना है, और इस तरीके से वो एजेंडा सेट करती है। और सेंसरशिप के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट जो है मीडिया को रोक सकती है कुछ चीजों को पब्लिश करने के लिए, कि भाई ये स्टोरी जो है आप मत दिखाइए, उसको रोक सकती है। तो इस चीज को हम कहते हैं सेंसरशिप, कि जब गवर्नमेंट जो है किसी को रोके कुछ करने से कि आप ये स्टोरी मत दिखाइए, आप ये मूवी मत दिखाइए, आप ये सीन मत दिखाइए, तब हम उसे सेंसरशिप कहते हैं। अब आजकल क्या हो रहा है, हमें पता है कि भाई मीडिया जो है उनके पीछे कौन है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, इन मीडियाज को कौन चला रहा है, न्यूज चैनल्स को कौन चला रहा है, ज्यादातर बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस या पैसे वाले लोग हैं वो चला रहे हैं। इसका मतलब मीडिया का एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत ही गहरा नाता है बिजनेस हाउसेस के साथ। अब इसीलिए हम मीडिया से एक बैलेंस्ड रिपोर्ट जो है वो बहुत ही मुश्किल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो मीडिया है अब वो बिजनेस हाउसेस से जुड़ी हुई है, वो बिजनेस हाउसेस के फायदे वाली न्यूज दिखाएगी। अब क्योंकि वो एक ही पक्ष दिखाएगी, एक ही पहलू दिखाएगी, तो जो भी वो न्यूज दिखाएगी वो बैलेंस्ड नहीं होगी। और इसीलिए हमें एक जागरूक नागरिक बनना है, और हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन न्यूज रिपोर्ट में दिखाई जा रही है वो हो सकता है कि इनकम्प्लीट हो, वो पूरी तरीके से ना हो, हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी का एक ही हिस्सा हो, राइट? कि कोई भी न्यूज में चीज दिखाई जा रही है आपको आंख बंद करके उस पर विश्वास नहीं कर लेना है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि उस न्यूज में कहानी का सिर्फ और सिर्फ एक पहलू दिखाया जा रहा हो। और इसीलिए हमें क्या करना है, हमें न्यूज को एनालाइज करना है। और एनालाइज हम कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछकर, कुछ अपने दिमाग में कुछ सवाल पूछकर, कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट, कि ये जो न्यूज वाले मुझे रिपोर्ट दिखा रहे हैं आखिरकार इससे मुझे क्या पता चल रहा है, क्या मुझे सीखने के लिए मिल रहा है इससे, और कैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे प्रोवाइड नहीं कराई जा रही, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो मुझे पता है एग्जिस्ट करते हैं, मैं अपनी गली में देखता हूँ कि भाई गंदगी बहुत है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, और इस तरीके के मुद्दे तो न्यूज चैनल पे नहीं दिखाए जा रहे। तो आप इस तरीके से सवाल पूछ सकते हो कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि ये न्यूज चैनल नहीं दिखा रहे। फ्रॉम हूज पॉइंट ऑफ व्यू इज द आर्टिकल बीइंग रिटन, कि भाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को लिखा जा रहा है, मतलब कि किस इस स्टोरी के किस पहलू को दिखाया जा रहा है, किस पार्टी के पर्सपेक्टिव को इसमें दिखाया जा रहा है, हूज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट एंड व्हाई, कि किसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, किसका जो पक्ष है वो छोड़ दिया जा रहा है, उसे इग्नोर कर दिया जा रहा है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है, राइट? तो ये सब सवाल आपको पूछने हैं। और देखो बहुत सारे न्यूज चैनल होते हैं, है ना, कि जब हम न्यूज देखने बैठते हैं तो बहुत सारे न्यूज हम देखते हैं, और हर एक चैनल का जो है, अगर मैं आपको मतलब बेसिकली बताऊं कि हर एक चैनल जो है अलग अलग बिजनेस हाउसेस द्वारा चलाया जा रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई जितने भी न्यूज चैनल है हमारे देश में उन्हें सब एक ही बिजनेस हाउस चला रहा होगा, ऐसा तो नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेम ही न्यूज को देखो, सेम टाइम पे सेम ही घटनाएं घट रही हैं, और सारे जो न्यूज चैनल है वो एक ही टाइम पे इन घटनाओं को कवर करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप सारे न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट देखो, है ना, ये लोग मतलब टाइम टू टाइम सेम मुद्दे को कवर करते रहते हैं। तो आपने पहले सेम न्यूज एक चैनल पे देखी, है ना, और वहां पे क्या होगा, वो आपको एक पक्ष दिखाएंगे, ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है आजकल कि वो एक ही पक्ष को दिखाते हैं। फिर आप दूसरे वाले न्यूज चैनल की न्यूज देखो सेम, कि इस न्यूज चैनल में जो सेम मुद्दा हुआ है, जो घटना घटी है, उसमें क्या चीज बताई जा रही है, आप पाओगे कि उसमें दूसरा ही मुद्दा दिखाया जा रहा है, उसमें दूसरे लोगों का पक्ष दिखाया जा रहा है, कि मान लो एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है, है ना, और ये न्यूज चैनल एक्स है और ये न्यूज चैनल वाई है। तो जब आप न्यूज चैनल एक्स देखोगे आपको पता चलेगा ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी ए का पक्ष दिखा रहे हैं, ये सिर्फ पार्टी ए की बात कह रहे हैं, ठीक है। और वहीं अगर आप वाई वाला न्यूज चैनल खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो दूसरी पार्टी की बात कर रहे हैं, ये दूसरी पार्टी का मुद्दा बता रहे हैं, है ना। फिर आप कोई तीसरा चैनल देखोगे आपको उसमें कोई और बातें जानने के लिए मिलेंगी। तो जब आप इस तरीके से अलग अलग न्यूज चैनल देखोगे तो आपको ओवरऑल मतलब आपको भाई घटना तो एक ही थी, उस घटना में ये दो लोग इन्वॉल्व थे, तो आपने क्या किया, जब आपने अलग अलग न्यूज चैनल देखे तो आपको दोनों पक्ष पता चल गए, है ना, कि कोई न्यूज चैनल इसके पक्ष को कवर कर रहा था, कोई इसके पक्ष को कवर कर रहा था, और आपने क्या किया, अल्टीमेटली आपने दोनों पक्षों की बात सुन ली। अब आप डिसाइड करो कि भाई कौन सही कह रहा है कौन नहीं, है ना। तो इसलिए आपको अंधा होकर एक ही न्यूज चैनल को भी फॉलो नहीं करना है, एक ही न्यूज पेपर को भी फॉलो नहीं करना है,
अगर आपको लग रहा है कि कोई जो न्यूज रिपोर्ट है वो मतलब वो बायस्ड है, अनबैलेंस्ड है, तब आप क्या करो कि आप उसको दूसरे जो सोर्सेस हैं वहां से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करो, ताकि आपको स्टोरी के पूरे जो पहलू हैं वो पता चल सके, राइट? और आपको ये सवाल तो पूछने ही है जो इसमें भी बताए हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि जो न्यूज चैनल्स हैं वो ज्यादातर उन मुद्दों को दिखाते हैं जो उन्हें लगता है कि ज्यादातर लोग देखेंगे, या जो उनके फायदे वाले होते हैं वो ज्यादातर उन मुद्दों को दिखाते हैं, राइट? जैसे कि हमने फैशन वीक और जो स्लम डिमोलिशन है उसके बारे में पढ़ा था कि जो न्यूज चैनल्स हैं, जो न्यूज पेपर्स हैं, उन्होंने फैशन वीक वाली न्यूज को दिखाया बट स्लम डिमोलिशनमेंट को नहीं दिखाया। तो बहुत सारे जो लोकल लोग हैं उन्होंने ये चीज को ऑब्जर्व किया कि देखो ऐसा हो रहा है कि जो आम लोग हैं उनकी लाइफ में कोई भी इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहा है, कि ये जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, ये सिर्फ अमीरों के मुद्दे उठा रहे हैं, ये गरीबों के मुद्दे नहीं उठा रहे, ठीक है? रिकॉग्नाइजिंग दैट मीडिया विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग स्मॉल इशूज दैट इन्वॉल्व ऑर्डिनरी पीपल एंड देयर डेली लाइफ। कि जब बहुत सारे लोगों ने ये रिकॉग्नाइज किया, ये महसूस किया कि जो मीडिया है वो छोटे छोटे इश्यूज को कवर करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रही है जो कि आम लोगों की जिंदगी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो कुछ लोकल ग्रुप्स ने क्या किया, उन्होंने अपनी जो मीडिया है वो स्टार्ट की, अपनी जो लोकल मीडिया है वो स्टार्ट उन्होंने की। कुछ लोगों ने कम्युनिटी रेडियो जो है वो स्टार्ट किया, उसको यूज किया ताकि जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको अलग अलग क्रॉप्स के दामों के बारे में बता सकें कि भाई किस क्रॉप का क्या दाम चल रहा है, और उस हिसाब से वो अपनी फसल को तैयार कर सकें और उनको फर्टिलाइजर्स वगैरह के यूज के बारे में एडवाइस कर सकें। तो मतलब किस तरीके से लोकल लेवल पर कुछ लोग आए, उन्होंने कदम उठाए, और ताकि जो आम जनता है, जो गांव के लोग हैं या जो ऐसी जनता है जिनके मुद्दे कोई नहीं उठा रहा है, तो उन लोगों के मुद्दों को भी जनता के सामने लाया जा सके, इसलिए कुछ लोगों ने लोकल जो मीडिया है वो स्टार्ट की। और कुछ लोगों ने क्या किया कि बहुत ही जो सस्ते वीडियो कैमरास वगैरह मिलते हैं उनके मदद से आम लोगों की लाइफ जो है, जो पुअर कम्युनिटीज हैं, जो गरीब जनता है, उसके लाइफ के बारे में लोगों को दिखाया, उनके बारे में वीडियोस वगैरह बनाई, और कभी कभी कुछ लोगों ने इन लोगों को ही कैमरेज वगैरह प्रोवाइड कराए ताकि ये लोग अपनी लाइफ के बारे में दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। तो इसमें तो हमने पढ़ा कि किस तरीके से छोटे छोटे कदम उठाए गए कि भाई रेडियो की मदद ली गई और स्मॉल जो मूवीज हैं, शॉर्ट मूवीज हैं, डॉक्यूमेंट्री हैं, वो बनाई गई ताकि छोटे लोगों की, मतलब छोटे नहीं, मतलब कि जो और ऐसी जनता है जिसके बारे में लोग इतना डिस्कस नहीं कर रहे, तो उनके मुद्दों को भी लोगों के सामने लाया जा सके। और एक दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ही खबर लहरिया जो कि न्यूज़पेपर का है। ये क्या होता है कि जो नेशनल लेवल पे न्यूज़पेपर चल रहे हैं वो ज्यादातर छोटे, मतलब जो छोटे गांव से लोग आते हैं, जो कस्बों में रह रहे हैं, जो कम्युनिटीज इतनी ज्यादा जो है वेल ऑफ नहीं है, तो उन लोगों की बातों को नहीं दिखाते। तो क्या हुआ है कि बहुत सारे जगहों पे इस तरीके से लोकल न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए हैं जो कि उनके लोकल इश्यूज को जनता जनता के सामने लाए, ठीक है? तो ऐसा ही एक एग्जांपल है न्यूज़पेपर खबर लहरिया का, जो कि एक फोर्टनाइटली है, मतलब कि हर 15 दिन में ये जो न्यूज़पेपर है वो निकलता है, और ये 8 दलित वुमेन द्वारा चलाया जाता है। खबर लहरिया जो न्यूज़पेपर है वो 8 दलित वुमेन द्वारा चलाया जाता है, और ये कहाँ की बात है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है उसकी 8 दलित वुमेन इस न्यूज़पेपर को चलाती हैं। तो ये जो न्यूज़पेपर है ऐसे लोकल लैंग्वेज बुंदेली में लिखा जाता है, ये 8 पेज का न्यूज़पेपर है जिसमें कि दलित के इश्यूज बताए जाते हैं, औरतों द्वारा औरतों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, पॉलिटिशियंस जो करप्शन कर रहे हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, और ये जो न्यूज़पेपर है ये वो अलग अलग लोगों तक पहुंचता है, फार्मर, शॉपकीपर्स, पंचायत मेंबर्स, तो मतलब जो वहां के डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनके अलग अलग लोगों तक ये पहुंचता है, राइट? तो इस तरीके से बहुत सारी जगह पे लोकल इनिशिएटिव लिए गए हैं लोगों ने ताकि उन लोगों के मुद्दों को भी सामने लाया जा सके। नाउ सोशल एडवर्टाइजिंग। तो सोशल एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, ये ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती हैं जो कि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एजेंसीज द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, ये दिखाई जाती हैं, और इनमें एक बहुत ही बड़ा मैसेज होता है सोसाइटी के लिए, ठीक है? सोशल, क्योंकि सोशल हम नॉर्मली उस चीज के लिए यूज करते हैं कि जब हम जनता के लिए कोई काम कर रहे हो, राइट? तो सोशल एडवर्टाइजमेंट मतलब कि जब गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एजेंसी कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही है, और वो क्यों कर रही है, क्योंकि वो कोई ऐसा मुद्दा है, वो ऐसे मुद्दे के बारे में कर रही है जिसका पूरी सोसाइटी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, तो उस चीज से रिलेटेड ये लोगों को जागरूक करते हैं सोशल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे एक सोशल एडवर्टाइजमेंट है जो कि जो मैंड एंड अनमैंड लेवल क्रॉसिंग्स होती है ना, आपने ये रेलवे लाइन के आगे ऐसे देखा होगा, फाटक वगैरह कहते हैं इसे,
ये आपने देखा होगा, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक सोशल एडवर्टीजमेंट है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, एट रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स, ये जो रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स हैं, अलर्टनेस इज द की टू सेफ्टी। कि अलर्टनेस मतलब कि सजगता, या फिर मुस्तैदी कहें कि आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर हैं, उसके बारे में ध्यान से सोचते हैं। तो अलर्टनेस इज द की टू सेफ्टी, कि अगर आपको सेफ रहना है तो आपको उसको लेकर अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को लेकर अलर्ट हैं तो आप सेफ रह सकते हैं। तो इसमें कैसे बताया जा रहा है कि अलर्टनेस इज द की टू सेफ्टी, वो क्यों है? कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जब यहाँ पे ट्रेन निकल रही होती है तो वो लोग इससे नीचे जाके, मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे फाटक वगैरह लगी रहती है, फिर भी जैसे बाइक वगैरह वाले लोग हैं वो इसके नीचे से होकर आगे चले जाते हैं, और वो ट्रेन का ध्यान नहीं देते, और इस चक्कर में, जल्दी निकलने के चक्कर में वो लोग ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से गाइडलाइंस दी जा रही है कि स्लो डाउन योर व्हीकल, जब भी स्पीड ब्रेकर वगैरह आएगा, इस तरीके से ये लेवल क्रॉसिंग आएंगे, तब आप अपने व्हीकल को स्लो कर लो। सी ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ आपको देखना है कोई कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई अभी ट्रेन वगैरह तो नहीं आ रही। स्टॉप द व्हीकल वेल बिफोर द स्टॉप साइन, अगर कहीं पे स्टॉप साइन बना हुआ है, देखो आप यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ है ये स्टॉप, तो जहां पे भी इस तरीके से आपको साइन दिखता है तो आप पहले ही रुक जाएं उस साइन को देखकर, एंड लिसन केयरफुली फॉर द साउंड और हॉर्न ऑफ एनी अप्रोचिंग ट्रेन। और आपको ध्यान से सुनना है कि कोई हॉर्न वगैरह तो नहीं आ रहा, कोई ट्रेन आने तो नहीं वाली, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप तो जल्दीबाजी में निकल जाए और कोई ट्रेन आने वाली हो। तो इसलिए आपको इस तरीके से अलर्ट रहना है, कहीं पे भी आपको स्पीड ब्रेकर वगैरह दिख रहा है तो आपको इस तरीके से, अगर लेवल क्रॉसिंग है तो वहां पे अपनी गाड़ी रोक लेनी है, रुक जाना है। दोनों तरफ अगर आप आगे भी जाते हो, मतलब कि जब ये खुलेगी, कभी ना कभी खुलेगी, फिर भी आपको दोनों तरफ देखना है कि फिर भी कोई ट्रेन वगैरह तो नहीं आ रही, और ध्यान से सुनते रहना है कि किसी का हॉर्न वगैरह तो सुनाई नहीं दे रहा। तो इस तरीके से एक एग्जांपल था कि किस तरीके से सोशल एडवर्टाइजिंग की जाती है, गवर्नमेंट उन मुद्दों को लोगों के सामने लाती है जो कि उनके लिए जरूरी है, उनके सेफ्टी के लिए है। राइट, सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 7 सिविक्स, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। And if you do, then please give it a thumbs up. And if you're new to the channel, then please subscribe it. And don't forget to press the bell icon so then you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, take care and bye-bye.